ये सब ये सब सोचना ना सोचना ना आज के आज लिए के लिए गलत है, गलत है, क्योंकि क्योंकि आज हमारा आज हमारा माइंडसेट तो माइंडसेट ना नॉर्मल नॉर्मल है, नहीं है। हमारा हमारे माइंडसेट तो माइंडसेट को नॉर्मल नॉर्मल है, होने में बट डेफिनेटली एक एक दिन दिन तो तो मिनिमम मिनिमम पूरा पूरा लगेगा। लगेगा। वी वी नीड नीड वन वन स्लीप। स्लीप। तो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आज आज हम हम एनालाइज एनालाइज कर कर सकते सकते हैं, हैं, हम हम टिप्स टिप्स ले ले सकते सकते हैं, हैं, पर पर यू यू कैन कैन नॉट नॉट डिसाइड डिसाइड एनीथिंग। एनीथिंग। आई आई जी जी सर, सर, आपका आपका क्या क्या कहना कहना है? है? क्या क्या आज आज के के दिन दिन बच्चों बच्चों के के लिए लिए कुछ कुछ डिसीजन डिसीजन लेने लेने के के लिए लिए अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट होगा? होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि आज का जो बेसिकली दिन है ना, कि वो आपने सिर्फ ये सोचना चाहिए कि देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने आपका जो रिजल्ट आ चुका है उसको सबसे पहली चीज है कि अगर आप जनवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज जो रिजल्ट आया है उसको एक्सेप्ट करो। अब आपने ये नहीं सोचना है कि मेरे से क्या रह गया था, मैं काश ऐसा कर लेता तो ये हो जाता, मैं अगर वैसा कर लेता तो ये हो जाता। अब आपने उसके बारे में नहीं सोचना है, जो चीज हो चुकी है वो हो चुकी है, प्लीज एक्सेप्ट दैट फैक्ट। अब आपको ये सोचना है कि मैं जनवरी 25 के लिए ऐसा क्या कर सकता हूं, मैंने कौन सी गलतियां अभी की थी सितंबर 24 में जो मैंने रिपीट नहीं करना है अपने आने वाले एग्जाम में। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद चीजें हो जाती है कि आपको एक एक क्लियर गोल मिल जाता है कि मुझे क्या करना है करके आगे का, है ना? तो ये चीज आती है। और आज बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रणव सर, आज कोई माइंडसेट नहीं है कोई भी चीज डिसाइड करने का। आज आप केवल और केवल अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, जो आपके दोस्त क्लियर कर गए हैं, अगर कोई आपके जान पहचान में होगा आप उनसे बात कीजिए। जैसे ये सेशन में हम लोगों ने इसीलिए रखा है कि अगर आपको कोई भी हमारे तरफ से एक जगह क्या होता है बूस्ट चाहिए अपने को। मैं जब सीए फाइनल क्लियर नहीं किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो होता है जिस दिन रिजल्ट आता है ना, अपने को ऐसा लगते रहता है क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट क्योंकि मेरे पापा भी सीए थे, मेरे आजू बाजू बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, मेरे कुछ दोस्त सीए बन गए थे, तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि तू ऐसा कर सकता है, तू वैसा कर सकता है। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे गाइडेंस मिल गया। पर मैं अगर वो समय सोच लेता कि नहीं मैं दो ग्रुप नहीं दूंगा, एक ही ग्रुप दूंगा, तो हो सकता है शायद मेरा डिसीजन बिगड़ जाता, क्योंकि आज वो माइंडसेट होता ही नहीं हमारा सही तरीके से सोचने का। आज हम जो भी डिसीजन लेते हैं ना, वो हम इमोशनली कैरिड अवे हो जाते हैं और वो डिसीजन ले लेते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सही कहा प्रणव सर ने, आज आप आराम से बस एनालाइज करके रखिए फैक्ट्स को कि हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या ऐसी चीजें छूट गई जो हमने करनी चाहिए थी इस एग्जाम में पास करने के लिए। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह भी लिए, एक दो इंटरव्यूज आप देख लीजिएगा, अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं, अल्टीमेट सीए के चैनल के ऊपर हमने दो चार इंटरव्यूज लिए है। तो आप वो इंटरव्यूज देंगे तो आप एक चीज समझेंगे कि वो बच्चों जो बच्चे टॉपर्स आए ना, उनका माइंडसेट आपको समझ में आएगा। दे वर वेरी क्लियर कि उनको कितना पढ़ना है, कितना रिवाइज करना है, कितना कितने दिन पहले हो जाना चाहिए, कौन से लेक्चर्स देखना है, लेक्चर्स नहीं देखना है, रिविजन लेक्चर्स देखना है नहीं देखना है, मैराथन लेक्चर्स देखना है नहीं देखना है, कौन से किताब से पढ़ना है। उनको हर चीज बहुत क्लियर थी, और कहीं ना कहीं ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है ना, ये मिसिंग होती है और उसी के कारण रिजल्ट नहीं बनता है, ऐसा मैं फील करता हूँ। कि क्योंकि आज हमारे पास ऑनलाइन स्पेस में ना बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कभी कभार ज्यादा इंफॉर्मेशन भी होना हानिकारक हो जाता है। इसलिए आज आपने केवल और केवल ये सोचना है कि कौन से कमियों को मुझे दूर करना है जनवरी 25 में, एंड देन फिर उसके बाद अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। यस, मोनीश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके बिल्कुल हैं। मोनीश सर, आप कुछ गाइड करना चाहेंगे बच्चों को? और अगर इन केस मोनीश सर, अगर आपने भी जैसे सीए एग्जाम में कभी आप फेल हुए हो, तो आपने कैसे डील किया वो फेलियर से, प्लीज शेयर कीजिएगा। जी। आई आई गेस गेस सर हम हम लोग लोग रिकॉर्डिंग शुरू करें शुरू क्या? करें। हाँ यस सर, मैंने यस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। अच्छा हो, दैट्स ग्रेट सर। ओके ओके। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कि आज आज तक कोई भी ऐसा तक व्यक्ति है ही नहीं, या कोई पैदा ही नहीं हुआ जो आज तक कभी फेल ना कोई हुआ हो, ठीक है ऐसा ना। बात सिर्फ इसी एग्जाम में फेल होने की नहीं व्यक्ति है, ठीक है ना। आपके लाइफ में सिर्फ एग्जाम से नहीं, बहुत सारी और चीज है ना, रिलेशनशिप्स है ना। आप मॉनेटरी वे में आप कितना कमा सकते हैं कितना नहीं, है ना। हम एग्जाम्स की बात करें, कहीं ना कहीं हमें लाइफ में कभी ना कभी फेलियर तो फेस करना ही है, ठीक है ठीक ना। है ना। तो तो इसमें ये इसमें ये बात बात नहीं नहीं कि कि आप आप एकदम एकदम बुरे बुरे हैं हैं, या या आपने आपने मतलब मेहनत कि नहीं की, इसलिए इसलिए ऐसा इसलिए हुआ, मेहनत ऐसा नहीं की बिल्कुल है, भी नहीं है। तो खुद को खुद को कोसने कोसने से से काम काम नहीं नहीं चलेगा, चलेगा ठीक अभी, है ठीक है ना। ना।
यस कहीं ना कहीं हमसे ही प्रिपरेशन में कुछ कमी हो सकती है जिसके वजह से हम क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होंगे। अभी आपको लगेगा कि सर आईसीए ने ही जो है रिजल्ट कम निकाला, आपको लगेगा कि मे बी हमारे फैमिली के तरफ से वैसा सपोर्ट नहीं मिला या हमारे सरकमस्टेंसेस वैसे नहीं थे। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम आईसीए को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हम हमारे पढ़ाई को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस अटेम्प्ट में कुछ बच्चे फेल हुए तो बहुत से बच्चे जो है यहाँ पे पास भी हुए। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ तो ऐसा किया जो हमने नहीं किया है, राइट? तो हमें अभी पहले ये बस फोकस करना है कि हमसे कहाँ पे गलती हो गई, हमने कौन सी चीजें नहीं की, है ना? क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सर मैंने तो सब किया पर फिर भी मैं फेल हो गया, फेल हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। आपको ये सोचना पड़ेगा खुद से, है ना? या तो आप जैसे सर ने आपको बताया कि आप या तो जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज देखिए। ठीक है ना, हमने बहुत सारे भी टॉपर्स के इंटरव्यूज हम अभी अपलोड करेंगे, आप वो देखिए, उनको देख के उन्होंने क्या चीजें की और फिर आप उनके प्रिपरेशन को कंपेयर करें अपने प्रिपरेशन से, तो आपको समझ में आएगा कि हम और क्या नया कर सकते थे। ठीक है ना, इसमें एक मैं चीज बोलना चाहूंगा, मैं हर बार मैं टॉपर्स के इंटरव्यू में भी मैंने ये चीज बोली थी कि यहाँ पे जो ना एक मेजर रीजन स्टूडेंट्स के फेलियर का मुझे ये लगता है, जो हर बार मोस्टली ये होता है कि हम जो है ना अभी तक सेटल नहीं हो पाते हैं, है ना? मतलब हमें क्या लगता है कि हम एक सब्जेक्ट के लिए ना मल्टीपल टीचर्स की वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है वो ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर एक इंस्टीट्यूट जो है रिवीजन वीडियो, मैराथन वीडियो, है ना, फिर कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यू की पीडीएफ देंगे, आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ देंगे। कोई इंस्टीट्यूट की गलती नहीं, ऑब्वियसली हर एक इंस्टीट्यूट चाहेगा ना कि भैया हमारे स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे मार्क्स से पास हो। ठीक है ना, तो इसमें हमें अब जुड़ना है, हमें अब जो है स्टिक रहना है कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए एक एजुकेटर। हमारा बहुत बड़ा इशू है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम सेम सब्जेक्ट के लिए जो है ना पांच छह टीचर्स की क्लासेस देख रहे हैं। अगर आप सबको याद हो, मैं मेरे क्लासेस में ये भी बोलता हूँ कि सर जो इकोनॉमिक्स में आपको मुझसे नहीं पढ़ना मत करो, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको जो है जो भी टीचर आपको पसंद हो आपको उस पर स्टिक रहना जरूरी है। आप जो है सब लोग जो है अपने अभी टेलीग्राम, जो भी बच्चे अभी टेलीग्राम यूज करते हैं, आप अपने सेव्ड मैसेजेस में जाइए और वहां पे जाके आप चेक करें आपके फाइल सेक्शन में, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गड़बड़ की है। हम हर जगह से हमको बस पीडीएफ चाहिए सर, बस पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो सर, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, ये पीडीएफ वो सर, हम डाउनलोड करेंगे सब, सेव करके रखेंगे पर पढ़ेंगे एक भी नहीं। ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्लीज आप जो है स्टिक रहे कोई भी एक सब्जेक्ट के एक एजुकेटर। ठीक है ना, जो भी आपको पसंद हो आप अभी से सिलेक्ट कर लो वो, और उसके हिसाब से फिर पढ़ाई करें। इससे आपका कंफ्यूजन कम होगा, इससे बहुत क्योंकि बहुत होगा स्वागत। क्या कि जब एक ही सब्जेक्ट ले मेरे पास 10 पीडीएफ है पढ़ने के लिए, मुझे समझ भी नहीं आ रहा ना अब एग्जाम के पहले कि मैं किसकी पीडीएफ खोलूं, है ना? यस प्रणव सर। सर मैं यहाँ पर आप ही की बात पे ऐड करना चाहूंगा। इनफैक्ट आपने और आईजी सर ने जो पॉइंट्स बोले ना, उसमें से दो पॉइंट्स निकालना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। जैसे आईजी सर ने बोला था कि हम जिन भी टॉपर्स का इंटरव्यू ले रहे थे, कॉमन जो चीज समझ में आई वो माइंडसेट की, उनको पता है कि उनको क्या करना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि उनको कैसे पता है कि उनको क्या करना है, उन्होंने भी किसी का वीडियो देखा होगा। नहीं, उन सब में एक और चीज जो कॉमन निकली ना, कि उन्होंने अपनी प्लानिंग खुद करी थी, उन्होंने टीचर्स से ये समझ लिया कि किसका वेटेज हाईएस्ट है, कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन खुद की परिस्थिति को देखते हुए, खुद की सिचुएशन को देखते हुए, उन्होंने खुद की प्लानिंग बनाई और खुद की प्लानिंग पर स्टिक थे। तो अपने आप पे बिलीव करके एक अपना प्लानर बनाना भी बहुत जरूरी है। आज क्या होगा, हो सकता है तुमने 10 दिन किसी के हिसाब से पढ़ा, फिर किसी ने कोई और एडवाइस दे दी, तो तुम उसके हिसाब से चलने लगे। ऐसे भटको मत। हाँ, थोड़ा सा तुमको कंपेरिजन्स करने या तुमको चार पांच लोगों से चीजें समझनी है, एक बार डिसाइड कर लो, उसके बाद ना भरोसा रखो। क्योंकि पास होने के लिए ना आपकी खुद की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी होनी चाहिए। दूसरा जो एमवी सर ने बोला रिसोर्सेज वाला, कि हम बहुत सारे रिसोर्सेज एटसेट्रा, तो ये भी बच्चों का ना पहले डिसाइड हो जाता है कि यही रिसोर्सेज हमारे फाइनल है। बहुत ज्यादा हम रिसोर्सेज को चेंज नहीं, क्योंकि देखो सबका ऑब्जेक्टिव सेम ही है, हर रिसोर्स आपको एग्जाम में पास ही कराएगा। लेकिन आप अगर मिक्सअप रहोगे ना तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगली बात, हम लोग आप लोगों से क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, और उसमें मैं कुछ कॉमन बातें बता दूं सबको। हम क्वेश्चंस उनका लेंगे जो वीडियो ऑन करके रेज हैंड करेंगे सबसे पहली बात, और रेज हैंड के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ सीक्वेंस आ जाता है, तो हम वन बाय वन सबका लेंगे। पर अगर आपको जो क्वेश्चन पूछना था आपसे पहले किसी ने वो पूछ लिया और हमने आंसर दे दिया, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रिपीट मत करना उस क्वेश्चन को।
दूसरी एक चीज, एक बहुत जनरल चीज है जो ज्यादातर बच्चे पूछते हैं जो फर्स्ट टाइम सीएफ का एग्जाम्स देते हो, नहीं निकल पाते, कि सर मेरा 5 नंबर से रह गया या 7 नंबर से रह गया तो मैं रिवैल्यूएशन करवा दूं क्या? देखो भाई, तुमने को एक कॉमन कॉन्सेप्ट बता देते हैं, सीए के एग्जाम्स में तीनों ही लेवल पर रिवैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट भी कॉन्सेप्ट आप नहीं। आप अप्लाई कर अप्लाई सकते करते हो हो वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के के लिए, लिए, जहां जहां पर पर मोस्टली मोस्टली क्या क्या होता है होता है, आपका आपका रीटोन रीटोन नहीं क्लियर किया किया जाता जाता है है मार्क्स मार्क्स का, का, तो तो आप आप डेफिनेटली डेफिनेटली उसके उसके लिए लिए अप्लाई अप्लाई करो। करो। अगर अगर आपको आपको लगता लगता है है 5 नंबर5 नंबर से से रह रह गए गए 3 नंबर3 नंबर से से रह रह गए, गए, भाई भाई किस्मत किस्मत अच्छी अच्छी होगी होगी तो तो निकल निकल जाएगा, जाएगा, बट बट चांसेस चांसेस आर आर लेस लेस देन देन 90%, 90%, मतलब मतलब 90% नाइन्टी की नहीं होगा होगा वो वो चीज, चीज, समझ समझ रहे रहे हो। हो। तो तो उसके उसके भरोसे भरोसे मत मत बैठना, बैठना, मतलब मतलब ऐसा ऐसा ना ना हो हो जाए जाए कि कि तुमने तुमने आज आज रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन के के लिए लिए डाला डाला और और 1 महीने1 महीने बाद बाद रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन आएगा आएगा और और फिर फिर तुम तुम पढ़ना पढ़ना चालू चालू करोगे, करोगे, तो तो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन डाल डाल के के भूल भूल जाओ, जाओ, किस्मत किस्मत अच्छी अच्छी होगी होगी तो तो इंक्रीज इंक्रीज होगा होगा वरना वरना 99% नाइन्टी तो नाइन नहीं परसेंट होगा, ठीक ठीक है। है। तो तो जो जो भी भी अब अब हो हो चुका चुका है है वो वो हो हो चुका चुका है, है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना, करना, आगे आगे बढ़ना बढ़ना है है और और वही वही स्टेप्स स्टेप्स देखना देखना है। है। तो तो रिवेल रिवेल जिसको जिसको करना करना करो करो रिवेल, रिवेल, लेकिन लेकिन मैं मैं एडिशनली एडिशनली एक एक टिप टिप देता देता हूँ हूँ तुमको, तुमको, अगर अगर किसी किसी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में में तुम तुम क्लूलेस क्लूलेस हो हो ना, ना, जैसे जैसे मान मान लो लो अकाउंट्स अकाउंट्स में में तुमको तुमको लगता लगता है है कि कि यार यार मेरे मेरे को को तो तो 80 आने80 आने थे, थे, तुम तुम बोल बोल रहे रहे हो हो तुमको तुमको 20 नंबर 20 नंबर आए आए हैं, हैं, तो तो ऐसा ऐसा कैसे कैसे हो हो सकता सकता है है कि कि उसकी उसकी आरटीआई आरटीआई से से कॉपी कॉपी मंगवाओ, मंगवाओ, सिर्फ सिर्फ 10 रुपए10 रुपए में में तुम्हारी तुम्हारी कॉपी कॉपी आ आ जाती जाती है। है। तो तो अपनी अपनी कॉपी कॉपी देख देख लेना, लेना, कुछ कुछ बच्चे बच्चे बोलते बोलते हैं हैं सर सर कॉपी कॉपी नहीं नहीं मंगवाते, मंगवाते, वो वो तो तो एग्जाम एग्जाम तक तक आती आती है। है। नहीं नहीं भाई, भाई, आ आ जाती जाती है है 20-25 25 दिन दिन में में आ आ जाती जाती है। है। तो तो पढ़ना पढ़ना शुरू शुरू कर कर दो दो जब जब कॉपी कॉपी आएगी आएगी तो तो एक एक बार बार और और देख देख लेना, लेना, सेम सेम मिस्टेक मिस्टेक रिपीट रिपीट नहीं नहीं होनी होनी चाहिए, चाहिए, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मंत्रा मंत्रा है, है, ठीक ठीक है। है। तो तो आई आई जी जी सर सर कुछ कुछ कहना कहना चाहेंगे चाहेंगे या या फिर फिर बच्चों बच्चों से से शुरू शुरू करें करें क्वेश्चन? क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल सही सही सर, सर, आवाज आवाज आ आ रही रही है है ना? ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सही सर सर कहा कहा आपने आपने कि कि प्लीज प्लीज उसके उसके भरोसे भरोसे मत मत रहिएगा। रहिएगा। अगर अगर आप आप अप्लाई अप्लाई भी भी कर कर रहे रहे हो, हो, आरटीआई आरटीआई के के लिए लिए भी भी अप्लाई अप्लाई करो, करो, आप आप अपनी अपनी पढ़ाई पढ़ाई स्टार्ट स्टार्ट कर कर दीजिए। दीजिए। बहुत बहुत कम कम होता होता है है ऐसा ऐसा हजार हजार में में एक एक आधा आधा बच्चा, बच्चा, वो वो भी भी मैं मैं ज्यादा ज्यादा ही ही बोल बोल रहा रहा हूँ हूँ अभी अभी भी, भी, जिसका जिसका क्लियर क्लियर हो हो जाता जाता है। है। वैसे वैसे मेरे मेरे पहचान पहचान में में दो दो दोस्त दोस्त थे थे वो वो क्लियर क्लियर हुए, हुए, बट बट मैं मैं फिर फिर भी भी बता बता दूँ दूँ बहुत बहुत कम कम चांसेस चांसेस होते होते हैं, हैं, लिटरली लिटरली बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा कम कम चांसेस चांसेस होते होते हैं हैं कि कि उसमें उसमें क्लियर क्लियर हो हो जाए। जाए। वो वो भी भी सिर्फ सिर्फ री री टोटलिंग टोटलिंग होता होता है, है, वो वो रीचेकिंग रीचेकिंग नहीं नहीं होता होता है है पेपर पेपर का। का। आप आप पेपर पेपर बुलाए, बुलाए, अगर अगर आपको आपको ऐसा ऐसा लगता लगता है है कि कि आपने आपने लॉ लॉ में में क्या क्या लिखा लिखा है है तो तो आप आप मुझे मुझे डीएम डीएम कर कर सकते सकते हैं, हैं, आप आप मुझे मुझे कॉपी कॉपी भिजवा भिजवा सकते सकते हो हो उसकी उसकी पीडीएफ। पीडीएफ। मैं मैं डेफिनेटली डेफिनेटली आपको आपको गाइड गाइड करूंगा। करूंगा। पिछले पिछले एग्जाम्स एग्जाम्स में में भी भी मैंने मैंने गाइड गाइड किया किया था, था, इस इस बार बार भी भी हम हम लोग लोग करेंगे करेंगे ऐसे, ऐसे, कोई कोई बात बात नहीं नहीं उसके उसके अंदर अंदर नहीं नहीं करेंगे करेंगे करके, करके, है है ना। ना। तो तो ये ये ज्यादा ज्यादा कॉमन कॉमन है। है। मैं मैं जानता जानता हूँ, हूँ, देखो देखो आज आज आप आप सभी सभी लोगों लोगों को को ऐसा ऐसा बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा फील फील हो हो रहा रहा होगा होगा कि कि यार यार मैंने मैंने इतनी इतनी मेहनत मेहनत किया किया था था और और मैं मैं नहीं नहीं हो हो पाया। पाया। हो हो सकता सकता है है आपको आपको थोड़ा थोड़ा सा सा रोना रोना भी भी आए आए तो तो आज आज रोलो, रोलो, मेरा मेरा ये ये कहना कहना है है आज आज जितना जितना रोना रोना है है आज आज रोलो, रोलो, लेकिन लेकिन कल कल से से जब जब आप आप पढ़ाई पढ़ाई चालू चालू करो करो तो तो आपके आपके माइंड माइंड में में सेकेंड सेकेंड थॉट थॉट भी भी नहीं नहीं आना आना चाहिए चाहिए कि कि मेरा मेरा सितंबर 24 सितंबर 24 में में हो हो जाना जाना चाहिए चाहिए था, था, वो वो होता होता तो तो मैं मैं ऐसा ऐसा कर कर लिया लिया होता, होता, वो वो सब सब आपने आपने नहीं नहीं करना करना है। है। आपको आपको आज आज जो जो करना करना है है वो वो सब सब कुछ कुछ कर कर डालो, डालो, सब सब जायज जायज है है आज आज के के लिए, लिए, लेकिन लेकिन कल कल से से जब जब आप आप तैयारी तैयारी करो करो तो तो फिर फिर पिछले पिछले चीजों चीजों कुछ कुछ भी भी बारे बारे में में मत मत सोचना, सोचना, सिर्फ सिर्फ और और सिर्फ सिर्फ फ्यूचर फ्यूचर के के बारे बारे में में सोचना सोचना कि कि कैसे कैसे आप आप जैन 25 जैन 25 के के अटेम्प्ट अटेम्प्ट को को क्लियर क्लियर करने करने वाले वाले हो, हो, ठीक ठीक है। है। यस, यस, अब अब आप आप जिसको जिसको भी भी आपको आपको कुछ कुछ पूछना पूछना है है हमसे हमसे बात बात करना करना है, है, अनम्यूट अनम्यूट करना करना है, है, वो वो रेज रेज हैंड हैंड करना करना और और वीडियो वीडियो ऑन ऑन करना, करना, तभी तभी हम हम आपको आपको अनम्यूट अनम्यूट करने करने का का ऑप्शन ऑप्शन दे दे पाएंगे पाएंगे बेटा, बेटा, है है ना। ना। यस यस ओके ओके वंश वंश सर, सर, मेरा मेरा ये ये पूछना पूछना था था कि कि जैसे जैसे मेरा मेरा अभी अभी 7 मार्क्स7 मार्क्स कटा कटा है, है, लाइक लाइक मेरा मेरा एग्रीगेट एग्रीगेट में में 7 मार्क्स7 मार्क्स कमाए कमाए हैं, हैं, बट बट मेरा मेरा बाकी बाकी सब सब में में मार्क्स मार्क्स ठीक ठीक है, है, बट बट अकाउंट्स अकाउंट्स में में मेरा मेरा जैसे जैसे मैंने मैंने 98 98 अटेम्प्ट अटेम्प्ट किए किए थे थे एंड एंड आया आया मेरा मेरा 46, 46,
है ना, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। आप सोच के देखो, जो बच्चे 36, 35, 30s में लाते हैं, 20s में लाते हैं, उनको लगता है काश मेरे 40s में आ जाते हैं। तो आपको कैजुअली 40s में आप बोल रहे हो कि मेरे को आ गए करके, है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि आपकी है, लेकिन आप समझिए इसको आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जब आप RTI की आपकी कॉपी आएंगे ना, तो आप चेक करना कि सजेस्टेड में क्या होना चाहिए था और आपके क्या है, तो उसके बीच में जो भी गैप आ रहा है उससे आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ना। ताकि अगली बार तुम्हारे लिए वो एग्रीगेट कूलर रहे कि भाई उसमें तुम एक्चुअली में 80 90 लाओ। यस, किसी कोई कोई सब्जेक्ट अगर टफ भी आ जाता है ना, तो ओवरऑल मैनेज हो जाएगा, है ना। और दूसरा ना, मॉक टेस्ट पेपर दिए थे क्या पेपर से पहले? सर MTP सॉल्व किया था, लेकिन जैसे कोई टेस्ट सीरीज कोई वो सब नहीं किया था। नहीं मतलब MTP सॉल्व करना, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, नहीं नहीं टाइमिंग लगा के प्रॉपर जैसे। अच्छा टाइम है, ठीक है, तुम्हारे RTI से तुमको पता चलेगा एक्चुअल इशू क्या है ना। अच्छा इसमें एक और चीज है कि जैसे रिवैल्यूएशन और RTI दोनों में होता, अगर आपने समझो RTI से कॉपी मंगवा भी ली ना, तो रिवैल्यूएशन तो हो सकता ही है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप RTI से मंगा लो, सस्ता भी है, 10 रुपए में आ जाता है, और जो है आपका रीटोटलिंग उसमें कर देता है इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा। यस थैंक यू। यस सर, एक्चुअली ना मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 मार्क्स से रुका, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ 5 मार्क्स से, और अभी मेरा नॉमिनल से हो गया 3 मार्क्स और एग्रीगेट 8 मार्क्स से। और अभी मेरा मैं ना DUC ग्रेजुएशन कर रही हूँ BCom, तो दिसंबर में मेरा BCom का भी एग्जाम है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं जनवरी का एग्जाम दूँ या जून का दूँ। एंड ऑनेस्टली मैं जनवरी का देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं जून में जाऊँगी तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। यस, देखो मैं यहाँ पे स्मृति आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने कितने का अटेम्प्ट किया था इस बार लॉ पे, लॉ के पेपर को? सर मैंने 65 से 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। एग्जैक्टली, अब आप देखिए 65 मार्क्स का, चलो 70 मार्क्स का अगर आपने अटेम्प्ट भी किया होगा, तो आपने 30 मार्क्स स्ट्रेट अवे छोड़ के आ गए, है ना। ऐसा तो आप सभी एग्री करेंगे कि जो CA फाउंडेशन का पेपर था इस बार का, उसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं थे जो हमें नहीं आते थे, बस पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था वो। तो जो टाइम का हमें ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि कितना कंटेंट लिखना, ये आपको नहीं समझा, मतलब 3 मार्क के लिए भी अपने को पूरा कंटेंट लिखना पड़ रहा है, और वही सवाल अगर 5 मार्क के लिए आता तो भी उतना लिखना पड़ता। यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, कितना कंटेंट लिखना, कहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना, कहाँ पे कंक्लूजन लिखना, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। और ये तभी हो सकती है जब अपन लोग काफी बार अपन राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी चीज, क्या आपने राइटिंग प्रैक्टिस किए थे लॉ के लिए? आप लिख के गए थे क्या, जैसे अपन एग्जाम में लिखते हैं, आप लिख के गए थे वैसा? ओके ठीक है, तो ये आपने किया था। फिर आपको रिवीजन या कंसेप्चुअल कोई टॉपिक वगैरह आप छोड़ के गए थे? सर टॉपिक्स तो मैंने आज सच कुछ छोड़े नहीं थे, बट हाँ मुझे ना कंसेप्चुअल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ओके, कंसेप्चुअल आपको दिक्कत थी, ठीक है। तो ये एक दो मेजरली रीजंस जो आप बोल रहे हो, एक तो मेजरली आपका पेपर छूट गया था, सबसे बड़ी दिक्कत वो थी, और दूसरा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो क्या होता है, अगर इंसान को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और उसका एक आध बार रिविजन कम भी हुआ ना, वो आंसर को अटेम्प्ट करके आ सकता है एक बार का। बट अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है, आप फिर रिविजन भी कर लो ना, तो उससे उतना मतलब आप पेपर को फिर प्रेजेंट करना, लिख के आना, वो थोड़ी सी फिर दिक्कत आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने फोकस करना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, और दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको आप एक्सेल कर जाओगे। और तीसरी चीज, आप जनवरी में ही अटेम्प्ट दीजिए, भले आपका दिसंबर के अंदर बीकॉम आ रहे, बट कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पढ़ाई अच्छी खासी हो रखी है। अभी आपको आने वाले 2 महीने में केवल और केवल रिविजन्स पे ध्यान देना है, केवल ब्रशअप करना है आपको, कंसेप्ट जो आपको नहीं आते हैं और जो आते हैं उसको रिवाइज करना है। तो मेरे हिसाब से आपने जनवरी में ही देना चाहिए। प्रणव सर और मुनीश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पर ये बोलूंगा स्मृति की, जैसे आप लोग, आपका ही 4th अटेम्प्ट था राइट?
थर्ड अटेम्प्ट था। तो मेरा ये कहना है कि जो पिछले दो अटेम्प्ट में आपकी मिस्टेक्स हुई, कि आपने कॉफी एक्सेट्रा मंगवाई थी या नहीं मंगवाई थी, और अगर मंगवाई थी तो क्या उनको देख के आपने उस काम उस चीज पर वर्क किया है? क्योंकि बार बार सिर्फ रिवाइज करना या सिर्फ सेम अप्रोच को फॉलो करना भी सही नहीं है। यू हैव टू चेंज समथिंग, या आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। लाइक वो था मेरा, हुआ नहीं, स्मृति का स्मृति का आ रहा है शायद वो वीडियो। रिलीज हो गया ना वीडियो। हाँ स्मृति अभी ठीक है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो तो कंट्रोल में नहीं है। मेरी आवाज आई थी आपको? सर, मैं बोल रही थी कि मैंने ना फर्स्ट अटेम्प्ट की कॉपी मंगाई थी आरटीआई से, सेकंड की नहीं मंगाई और थर्ड का तो अभी रिजल्ट था। हाँ राइट। तो वही मेरा कहना है कि मतलब क्या एग्जैक्ट इश्यू जो है ना, हम सबसे अच्छे होते हैं, हम खुद ही ढूंढ पाते हैं अपने और आपके प्रॉब्लम को। बाकी मार्क्स कैसे थे स्मृति? बाकी कैसे आए थे आपके? अकाउंट्स में इस बारी तो मुझे 50 मिला, मैथ्स में 45, लॉ में 37 एंड इकोनॉमिक्स में 60, तो आपका एग्रीगेट कितना जा रहा है? 192। 192। ओके ठीक है। ठीक है, ओवरऑल सपने भी आपके मतलब भले वो नहीं है, हाँ मतलब बट बहुत आपको अच्छे मार्क्स भी नहीं एग्जैक्टली है। मतलब आपको, मेरे को ऐसा कहना है कि आपका ने एक सब्जेक्ट कोई ऐसा बनाना चाहिए जो आपके एग्रीगेट पुलर होना चाहिए। सब में एक सब्जेक्ट आपका ऐसा होना ही चाहिए कि जो आपके एग्रीगेट को पुल कर जाए, जैसे किसी का एटलीस्ट मैथ्स, सेवेंटी किसी का सेवेंटी फाइव कुछ। उसमें आ गया आपको यस ऐसा कुछ। यस स्मृति एक बस मैं लास्ट एड करना चाहूंगा कि इसमें क्या है ना कि जनरली आप जब बोलेंगे कि मेरा लॉ का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ हुआ है ना, मुझे कॉन्सेप्चुअल में प्रॉब्लम है, एक्चुअली ना प्रॉब्लम पूरी है रिकॉल करने में है ना, ये प्रॉब्लम है। होता क्या है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को देखते हैं, हमें जो है ना समझो 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स है, वो सर ने आपको कैलकुलेशन बताया होगा है ना, या कहीं तो देखा ही होगा आपने। मतलब 5 मार्क के क्वेश्चन को आपको 9 मिनट में करना ही है, अगर नहीं हुआ तो पेपर छूट जाएगा। अब पॉइंट क्या है कि अगर आपने 5 मार्क के क्वेश्चन को सोचने में ही 5 मिनट लगा दिए, तो अब आप लिखोगे कब और नेक्स्ट क्वेश्चन करोंगे कब? क्वेश्चन देख के आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए। वो क्लिक कब होगा? जब आपने उस चीज की घर पे प्रैक्टिस की है। आप बोल रहे मैंने स्कैनर किया, मैंने ये, मैंने वो किया, ये किया, ये सब ठीक है, पर आपने जब आप आंसर लिख रहे हो, तो क्या आप, बहुत से बच्चे क्या करते ना, बोलते सर मैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली करता हूँ, पर क्या करते हो, आंसर देख देख के लिखते हैं। भाई ये क्या मतलब हुआ? आपको क्वेश्चन देखना है, बुक नहीं देखना, फिर क्वेश्चन सिर्फ देखना है, और आप खुद सोच के लिखना है कि हम क्या एग्जाम इंस्टीट्यूट के हिसाब से लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप ये कर पा रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं कि आपको कम मार्क्स आए है ना, तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब करते भी हो तो देख के नहीं करना है कि आंसर देख देख के लिख रहे हैं, वो थोड़ी प्रैक्टिस हुई है ना। हमें क्वेश्चन देखा और अब हमें खुद सोचना है। जब आप ये सोचने का पूरी प्रैक्टिस घर पे करनी है कि क्या हमें खुद से याद आ रहा है, कि हम खुद से रिकॉल कर पा रहे हैं उस चीज को। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे मतलब रिवीजन में प्रॉब्लम है, तो मतलब आपको अब उस चीज को बार 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 रिवाइज करना पड़ेगा, समझे? तो मल्टीपल रिवीजन होगा, फिर वो याद होगा, फिर याद होने के बाद जब उस पर क्वेश्चन आएगा तो आपको रिकॉल हो रहा कि नहीं वो सोचना पड़ेगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है ना? तो आई होप कि इससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? यस, एंड मेरे हिसाब से आप जनवरी का बिल्कुल दे सकते हैं है ना। आपको जैसे आपने एक दो अटेम्प्ट अभी दिए ही है, मुझे लगता है कि आप मैनेज कर लेंगे राइट, क्योंकि बीकॉम में मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। यस बीकॉम में डिफिकल्टी नहीं है, बट हमारा ना टाइम थैंक्स स्केड्यूल ऐसा यार। होता है 7:30 से 5 हमारा सिर्फ कॉलेज हो जाता है, उसके बीच में हमें ब्रेक्स मिलते हैं ओके कॉलेज में पढ़ने को, बट उसके आने के बाद हम इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते। नहीं तो मेरा क्या बोलना है आप समझिए, ठीक है? अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, पर पॉइंट है कि आप एग्जाम फॉर्म फिल तो कर लो, और आप दे दो जनवरी का भी। समझो अगर आपने अभी माइंड बना लिया जून नहीं करना है, तो जनवरी दे ही दो, बेस्ट चीज है। अगर आपने सोच लिया कि जून देना है, ठीक है ना, तो बेस्ट है, तो जनवरी में देना ही चाहिए फिर। आप समझे? क्योंकि क्योंकि उसमें नहीं हुआ क्लियर तो वैसे भी जून देने वाले थे, पर क्लियर हो गया तो बढ़िया है ना। तो अटेम्प्ट को स्किप मत करो खुद से, बस ये मैं चाहता हूँ है ना। आपसे जितना हो उतना पढ़ो, और प्लीज आप ये अटेम्प्ट अगला वाला दीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, वी आर प्लीज हैंड्स, थैंक यू, प्लीज हैंड्स डाउन कर। नेक्स्ट मैं देव को पूछना चाहूंगा, देव व्यास। यस भाई बोलिए। यस सर, देव ने अनम्यूट कर हाँ दिया। अनम्यूट है देव। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ देव। रही है भाई। सर मेरा अकाउंट सटक रहा है सर, कई और सेट नंबर पे दोनों में अकाउंट सटका।
सीए फाउंडेशन इंटर सर, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब लिखा था तब मेरे को टैक्स और लॉ दोनों में 40 के आसपास आए थे, और अकाउंट सोहा था वो तो एकदम मतलब 30 के भी नीचे था। अभी जब मैंने दिया आप देखा पर आपने अभी सिंगल ग्रुप दिया था, बोल ग्रुप दिए थे? अभी तो बहुत ग्रुप दिया था, बट ग्रुप में मेरा डाउट था कि नहीं ही होगा करके मैं पहले से स्टार्ट करके बैठा था। अभी जब रिजल्ट आया तब अकाउंट्स में भी रह गया। और इंटर में आपके ग्रुप में ना क्या मार्क्स थे तीनों सब्जेक्ट में? अकाउंट्स को 33, लॉ 54 और टैक्स 45, मतलब टोटल मिला के 132। ओके, मतलब भाई आपको सिर्फ अकाउंट्स में, टैक्स में भी प्रॉब्लम है? टैक्स का पेपर हार्ड आया था सर, हाँ टैक्स का रिकॉर्ड तो पेपर आया था बहुत लेंथी था, लेकिन प्लस हार्ड में भी था, मतलब डायरेक्ट इसको, मतलब जो फ्रेंड्स है ना सर्कल उन सब में, मतलब सबको ऐसे ही है 40, 50, 60, 4 टाइप, मतलब जो एकदम टॉपर्स है वो तो फिर अलग लेवल आ जाता है। नहीं तो भी आप ट्राई करें कि एटलीस्ट हम 50 को भी टारगेट कर सके, है ना, बाकी पेपर्स में। अकाउंट्स के लिए जो है ना, वैसे तो तेजस सर ज्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन अकाउंट्स के लिए अगेन जो है ना, इसमें बात क्या आ जाती है ना, चाहे अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, एफएम का सब्जेक्ट हो, मैं ना बहुत सही बार बच्चों को देखता हूँ, मुझे बोलते हैं सर आपने ये उसका फॉर्मूला का कुछ ये बना दो, शीट बना दो, है ना, आप जो है सर क्या थ्योरी का शीट बना दो। मतलब बच्चे जो है ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को देखते जा रहे हैं, जबकि आपको एग्जाम में जो है आप सिर्फ थियरी पढ़ते रहेंगे, या समझो एफएम में सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट देखा, या अकाउंट्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट देखोगे कि भैया कॉन्सेप्ट ये है। यस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है उसमें उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिरकार आपको मैक्सिमम तो आपको क्वेश्चन से सॉल्व करना है। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे हो जा रहा है ना, कि हम आरटीपी एमटीपी प्रीवैक्यूज जो है उसको बराबर से सॉल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं ऊपर ऊपर से, है ना। तो आपको जो है अभी से, मतलब अब जब भी अभी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, है ना, आप क्या करें ना, डेली एक क्वेश्चन तो भी उसको सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा खुद से, है ना, कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे समझो आप कोई एग्जाम का क्वेश्चन है, समझो 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो अराउंड आपका वो अराउंड समझो 15 मिनट में होना चाहिए, तो आप टाइमर लेके बैठा करो, है ना, जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा टाइमर स्टार्ट कर देना, है ना, क्योंकि वो 18 मिनट जो है ना वो क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने का होता है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद 18 मिनट नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के 18 मिनट में सब पूरा 18 मिनट में होना चाहिए। तो टाइमर ऑन किया, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, अब क्या हम उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं? कोई बात नहीं, होगा ऐसा इनिशियली आपको पहली पहली बार में समझो 30 मिनट्स लग जाएंगे, कभी 40 मिनट्स लग जाएंगे, पर वो धीरे धीरे करके बेटर होगा। तो एकदम से ऐसा घबराने नहीं, नहीं सर मेरा तो इतना टाइम हो ही नहीं रहा सर, अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई, आप जब उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे आपका वो टाइम कम होगा, है ना, पर हमको वैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके जो है ना हम उसमें बेटर हो पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी हम एक कोई इंटरव्यू में बात कर रहे थे, जैसे प्रणव सर है, वो थ्योरी में ना लिखते नहीं थे, मैं भी एक्चुअली थ्योरी में ज्यादा लिख के प्रैक्टिस नहीं करता था, मुझे याद हो जाता था। सिमिलरली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना उसमें भी मैं जनरली बहुत ऐसा लिख के प्रैक्टिस नहीं करता था, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता था कि भैया इसको लिखना कैसे है ना, बट सब लोग ऐसे वैसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल जैसे मे बी इंद्रे सर है, उनको होगा कि नहीं सर मैं तो प्रैक्टिकल में से लिख के देखता था तो ही मुझे जमता है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने पिछली बार जब प्रेपरेशन किया था तो मैंने कौन सी चीजें नहीं की, वो चीजों को अब आपको करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको ये चीज बोली कि आप लिख के देखो उसको, टाइमर लगा के देखो, राइट, एंड क्वेश्चंस पे आप ज्यादा फोकस करना। सबको यहाँ पे बोल रहा हूँ प्लीज, अभी जो है ना हमको बहुत ज्यादा जो है ना, आप ऑब्वियसली जैसे कुछ बच्चों के जो क्लासेस लगेंगे वो सब ठीक है ना, जब आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं अगर तो अलग बात है, पर अगर आपके चैप्टर सारे कवर्ड है तो मेरे हिसाब से तो आपको अब क्वेश्चन बैंक लेके बैठना चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ 6 से 7 बार क्वेश्चन बैंक आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक लेके बैठो भाई, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप जो इंस्टीट्यूट ने पूछा हो और आपको नहीं जम रहा। इस तरह का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इस तरह से आपको बुक्स लेके बैठना पड़ेगा लिटरली, तो तब जाके होगा, ठीक है ना। और देव मैं तो आपको शायद आप क्लासेस में भी लाइव क्लासेस में भी आते थे आई गेस, है ना, मुझे लगता है आप कर लेंगे, है ना भाई, प्लीज आप ये फॉलो करें, बट ये आपका हो जाएगा। बच्चों ये सब मेरा पहले गलती
उसको सुधारा, अब वापस से अकाउंट में गया। कुछ ना कुछ तो भाई बेटर कर देना पड़ेगा, है ना। और इसलिए इसमें एक और चीज बोल रहा हूँ, जैसे अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी अकाउंट आपको लॉ में शायद है ना, लॉ में आपको कितने मार्क्स है आपको, लॉ में 54 54, तो प्लीज बच्चे क्या सोचते हैं बहुत बार कि सर लॉ में तो 54 आ गए तो अगली बार 50 प्लस तो आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, लॉ में फिर से तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप एक्सपेक्ट मत करना कि भैया इस बार मुझे इस सब्जेक्ट में तो 50 प्लस आ गए तो अगली बार आ ही जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आपको सब में मेहनत करनी है और जिसमें प्रॉब्लम है उसमें ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है ना। कर लेंगे देव भाई, ठीक है ना, टेंशन मत लो। चलो चलो, थैंक यू भाई। नेक्स्ट है हिमांशु। यस हिमांशु गुप्ता, प्लीज पूछे। थोड़ा सा ना मैं चाहूंगा थोड़ा तुम्हें कम रहते हैं ताकि ना मैं हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हैं। और सिमिलर क्वेश्चन मत पूछना, जैसे अगर आप भी पूछते हो कि सर मेरी गलती क्या, मुझे कैसे पता चलेगा, तो डेफिनेटली हम उसका तुरंत आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको आपको ढूंढना है। यस 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 सर, मैंने सर जून वाला अटेम्प्ट दिया था सर, उसमें मेरा रह गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। सर इसमें सर मेरा पावर मैथ्स में रह गया था सर, सिर्फ 2 महीने में प्रिपरेशन करी थी, 185 आए थे। सर लॉ में सर 38 था और मैथ्स में 35 बस। नहीं नहीं सर, सर सितंबर वाला एक एक महीने बस बचा था, मैंने क्या था पढ़ाई करना बंद कर दिया था, सोचा ठीक हो जाएगा करके, तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी और फिर नहीं हो पाया, तो फिर मैं सर अब जून जनवरी की तैयारी कर रहा हूँ। ये सर कि जो मैथ्स मेरा सर जैसे हार्ड वाले चैप्टर जो आपने कैटेगरी सी में रखे हैं उसके लिए थोड़ा पूछना था सर। क्या पूछना है पूछो सर, उसमें जैसे उसको क्या प्लस वगैरह जो है उसको सर कैसे क्या करूं, मतलब क्या तुम्हारे मैथ्स में रहते आए थे सितंबर में? सर सितंबर में सर मेरे जून वाला था, मेरा सितंबर वाला नहीं। जून में कितने आए थे? 30 35। हाँ तो ठीक भैया, तुम 80 को 100 मत ले जाओ, पहले 30 को 80 तक लाने की कोशिश करो, ठीक है। कैटेगरी ए ए और बी में 65 नंबर का कवर होता है, कैटेगरी सी में और 20 नंबर का कवर होता है, और जो सबसे एडवांस लेवल ऑफ मैथ्स है तुम उसकी बात कर रहे हो। क्या तुम्हारा ये वाला एकदम स्ट्रांग है? अगर एकदम स्ट्रांग होता तो तुम ऑलरेडी पास तो हो ही गए होते। नहीं अपने बहाने में ढूंढो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम उसको छोड़ सकते हो, पहले उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको क्लियर करके जाओ। और दूसरी बात, तुम्हारा जो तुम्हारी गलती है ना वो बहुत क्लियरली नजर आ रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं दे सकता। तुम एग्जाम देते हो, उसके बाद तुम रिजल्ट का वेट करते हो, फिर तुम कहते हो अगले एग्जाम में भी एक ही महीना बचा, फिर तुम कहते हो उसको भी मैंने एक ही महीने में दिया, अभी भी तुमने टाइम वेस्ट किया, तुम बोलोगे जनवरी को भी एक ही महीना। भाई एक बार अच्छे से पढ़ लो, शिद्दत से स्किप मत करो चीजों को, पर ये मत सोचो कि हो जाएगा, एक बार अच्छे से शांत दिमाग से जनवरी की तैयारी करो, ठीक है। पर एडवांस चीजें नहीं, पहले पहले पास होने की तैयारी करो, उसके बाद एडवांस चीजों पे बात करनी। कैटेगरी ए और बी का भी अगर आपने किया ना अच्छे से तो अभी मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा है ना, 2 महीने से पढ़ ही नहीं रहा है कि आपके 45 इसके बाद सर जैसे रिजल्ट आया तो उसके बाद से फिर मैंने पढ़ाई चालू कर दी थी। पढ़ाई कर लो, बच्चे को 2 महीने, ठीक है, अपने आप नहीं हो जाएगा ना। सितंबर में तुमने सोचा था अपने आप हो जाएगा, तो जनवरी में अपने आप नहीं होगा, पढ़ के कर लो, सिंपल आंसर है तुम्हारे डाउट का। तो और पहले वो चीजों को करो जो हाई वेटेज की है। तुम यहाँ पर डाउट पूछने आए हो कि सर वो हाई लेवल की चीजों को कैसे करो, कैटेगरी डी को पूछ रहे हो तुम, कैलकुलस, क्योंकि हम क्लास में स्किप कर देते हैं। अरे भाई जितना है उसमें से लोग 80 नंबर। सर यही पूछना था कि सर उसको करूं कि नहीं, मत मत सर वो मैंने जैसे अभी आपने बोला कि कैटेगरी और कैटेगरी बी को परफेक्ट कर लो, तो मैंने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और सर्टिफिकेट वगैरह पे मतलब मैंने 2 महीने किया है स्टैट्स और इसमें अभी तो प्रैक्टिस करो उसकी, बाकी छोड़ दो आखिरी का पार्ट, सिर्फ कैलकुलस को छोड़ दो, बाकी करके जाओ। कंपाइलर वगैरह भी किया, सॉल्व तो बन रहे थे क्वेश्चन। हाँ तो करो ना और प्रैक्टिस करो, डाउट तुम्हें कुछ नहीं है, तुम बस आए हो कि चलो कोई मेरे को डबल बोल दे कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम सही जा रहे हो, सिर्फ कैलकुलस तुम छोड़ सकते हो, ये तुम्हारा डाउट है ना, कैलकुलस करना है कि नहीं, छोड़ सकते बस। हाँ आपका लॉ का क्या स्टेटस है?
सर लॉ में सर मैंने 16 तक पूरा हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बस बचा है सर। तो बेटा वो बस नहीं है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इंटरनेशनल तहलका है सर, पूरा। मतलब बाकी लॉ एक तरफ है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरफ है, तो 32 नंबर का आता है वो। तो मेरे हिसाब से आपने पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना चाहिए अभी, एंड देन फिर उसके बाद बाकी टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए, है ना? थोड़ा सा फाउंडेशन को सीरियस लेना चाहिए, ठीक क्योंकि है? बड़े कैजुअल लग रहा है तुम सीजी के एग्जाम को लेके। चलो चलो मेहनत करो हिमांशु भाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ईयर से ठीक है, विक्टर्स थैंक यू भाई, सर। प्लीज हेड स्ट्रॉन्ग कर लेना भाई, है ना हिमांशु? यस 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 प्रत्यक्ष, प्रत्यंश, प्लीज प्रत्यक्ष। प्रत्यंश। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। अच्छे से नहीं आवाज आ रही, एक अच्छे थोड़ा पास से बोलो। हाँ क्या बेटर। है टाइम मैनेज नहीं होता ना इसके लिए, तुम क्या करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर दो। तुम्हारे क्लियर सिलेबस हो चुका है तुम्हारा, है ना? हाँ ठीक है, तो एक फोकस बैच है यूट्यूब में, वहां से एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? दूसरा, तुमको अगर टाइम है तो तुम एमसीक्यू कंपाइलर से सेल्फ प्रैक्टिस कर लो एक्स्ट्रा एमसीक्यू की। लेकिन तुम टाइम मैनेजमेंट की अगर बात कर रहे हो, तो उसके लिए तुम जितने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर दोगे ना टाइमर लगा के 2 घंटे में, उतना ज्यादा बेटर होगा। दूसरा, अगर सेप्टेम्बर एग्जाम के टाइम तुमने यूट्यूब में वो टिप्स सुनी थी तो अच्छी बात है, नहीं सुनी थी तो रिपीट कर देता हूँ। जब भी पेपर में अटेम्प्ट करने जाओ ना, 3 राउंड्स में करो। सबसे पहले राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चन करो जो ईजी नहीं लग रहे हैं और जल्दी हो रहे हैं, मतलब टाइम कम ले रहे हैं। फिर वो क्वेश्चंस को करो जो बनते हैं लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, और फिर अगर टाइम बचता है पेपर में तो वो क्वेश्चंस को करो जो नहीं बनते। नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं, नहीं बनते तो भी उनको ट्राई करने लगते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल ही तुम्हारी स्पीड कम है तो तुम अभी से लेके जनवरी तक शुरू से मत पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पेपर्स ट्राई करो। मॉक टेस्ट पेपर तो पुराने सारे डले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हर जगह, तो टाइमर लगा के वो टेस्ट को दो, ठीक है? हाँ बेटा बोलिए ना। कितने मार्क का लिख के आए थे आप? मतलब 52। ओके, आया तो 30 सर। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपको ये पता है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है कि आपने जो राइटिंग प्रैक्टिस करना है ना वो टाइमर लगा के करो। 1.6 मिनट होते हैं 1 मार्क के लिए, जैसे 180 मिनट्स का पेपर होता है, 20 मिनट हम लोग हटा देते हैं तो 160 मिनट्स होते हैं 100 नंबर के पेपर के लिए। तो 1.6 मिनट होता है आपके पास 1 नंबर के लिए, ठीक है? अब अगर 3 3 मार्क्स का आया है तो 3 × 1.6 करो, उतने टाइम में आपका आंसर लिख के होना चाहिए उस टॉपिक का। तो आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको थोड़ा सा राइटिंग स्पीड बढ़ाना होगा। देखो मुझे प्रॉब्लम क्या लग रहा है कि आपको रिकॉल होने में शायद प्रॉब्लम होता होगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या एप्लीकेबिलिटी रखना है इस क्वेश्चन के ऊपर और फिर क्या कंटेंट आना चाहिए वो आपको दिक्कत आ रही होगी। तो ये चीज के लिए सबसे बेस्ट चीज है आप टेस्ट सीरीज दीजिए, कम से कम एक टेस्ट सीरीज आप दोगे और राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और राइटिंग प्रैक्टिस जब मैं बोलता हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन और आंसर पढ़ के अपना आंसर लिखो, आप क्वेश्चन पढ़ो, खुद से आंसर लिखो और फिर उसके बाद टैली करके देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है ना? यस कौन से वाले सर अच्छे से कर लेते हैं सर? प्रॉब्लम ये है कि मैं रिवीजन करता हूँ, आपको रिकॉल तो रिकॉल होता नहीं सर, कोई दिक्कत है? रिकॉल नहीं होता है रिवीजन का आपको। तो देखो जब आप रिवीजन करते हो ना, तो रिवीजन जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो रिवीजन आपने 4 पेजेस का किया, उसके बाद 2 मिनट रुको और एक रफ पेज के ऊपर स्क्रिबल करके देखो कि आपने क्या क्या पढ़ा, फ्रेजेस में उसको लिख लिख के देखो, पूरा कंप्लीट नहीं लिखने का 100%, फ्रेजेस में टुकड़े टुकड़े में लिख के देखने का, तो उससे अपने को एक थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ता है और अच्छा होता है उससे, है ना?
इस बार नहीं, अब देखो क्या हो गया, इस बार पैटर्न ही पूरा इंस्टीट्यूट ने बदल दिया। आज तक जो चीजें नहीं की इंस्टीट्यूट ने वो एकदम से डाल दी यहाँ पे, तो वो बहुत नॉर्मल सी बात है कि कोई भी नॉर्मल इंसान पैनिक होगा। पर कोई कभी कभार क्या होता है कि ठीक है बच्चा आप टेस्ट देखते आता है, कभी कभार ठीक है उसको पता होता है कि कर लेता है कोई कोई मैनेज, तो इट्स ओके ठीक है। वो तो आपको मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड करना है, अगर कोई 3 मार्क के लिए कोई चीज है तो आप कहाँ फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह लिखेंगे, सीधा कंक्लूजन लिख के आंसर खत्म, प्रोविजन डाला कंक्लूजन आंसर खत्म, ऐसा। बैठो और रिवीजन करो, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना रिकॉल होगा, बस सिंपल एकदम फॉर्मूला है ना। अगर आपको 2 बार में रिवीजन में नहीं हो रहा है तो 3 बार करो, 3 बार में नहीं याद आ रहा है 5 बार करो, 5 बार में नहीं हो रहा है 6 बार करो। आपको समझ में आ रहा है? लगती है आपको बार बार करो, उसको आपको तरीका ही नहीं है और क्या करेंगे बताओ, उसको आपको दूसरे पढ़ना ही पड़ेगा वापस, है ना। चलिए थैंक यू सो मच प्रत्यक्ष भाई। सॉरी हम उसके लिए अलग से सेशन लेंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू भाई। नेक्स्ट, यस थैंक यू नेक्स्ट तनिष्का, यस प्लीज बताएं। हम चाहेंगे भाई थोड़ा प्लीज क्विक रहे मतलब ताकि हम ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके। यस तनिष्का, बिफोर शी स्टार्ट्स में तेजस्वी ने एक मैसेज किया था डालेंगे यूट्यूब पे, वहाँ जाके देख लेना। सो बैच इज अवेलेबल बट सारी डिटेल्स अभी नहीं बताएंगे आपको, अलग से आप यूट्यूब पे देख लेना। यस तनिष्का, सर मेरा ये सितंबर वाला 4th अटेम्प्ट है, मतलब जो मैंने दिया था 4th अटेम्प्ट था, बाकी मेरे मैथ्स के अलावा बाकी तीनों सब्जेक्ट्स मेरे रह जा रहे हैं। जो मेरा June 23 में अटेम्प्ट था वो मेरा एक को भी उसमें निकल गया था, मतलब 40 क्रॉस हो चुका था, बट इतने भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं थे उसमें। बट अभी जैसे जैसे अटेम्प्ट हो ना, तो सिर्फ मैथ है कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट रहा है मेरा, जो मैं 50 अबव लेके आया है मतलब मेरा, बट बाकी के तीनों सब्जेक्ट में बहुत कम कम आ रहे हैं। और अभी अभी 5th अटेम्प्ट अभी रहेगा जैन में, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे जैन में देना चाहिए 5th टाइम वापस फाउंडेशन अटेम्प्ट करना चाहिए, या मुझे थोड़ा स्किप कर देना चाहिए, कोई और कोर्स देखना चाहिए, मतलब बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कैसा है कि ऐसे बहुत से स्टोरीज है जो सच्ची सच्ची घटना पे आधारित, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको सीए इंटर में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे थे, बस सीए फाइनल में ऑलराउंडर रैंक आ गया, सीए फाउंडेशन मल्टीपल अटेम्प्ट्स से बस सीए इंटर में अच्छे मार्क्स से पास हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ठीक है। आप सुन लीजिए पहले, ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन सीए बार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, फिर भी सीए छोड़ दिया, उन्हें नहीं करना है। आप ये समझिए कि ये जो है ना एक पर्सनल चॉइस है। अगर समझो आपको सच में सीए बनना ही है, आपने माइंड में ये चीज को फिक्स कर लेंगे सर मैम मुझे जो है सीए बनना ही, कुछ भी हो जाए तो फिर जो है ये आपके माइंड में थॉट आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि सर सच में मुझे सीए बनना है तो आप फिर चीजें लगा दीजिए, आप सीए बिल्कुल बन सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको लगता है अगर मन में ऐसा लग रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम सीए बनेंगे तो ही हमारी लाइफ अच्छी होगी, ऐसा नहीं है, है ना। ऐसा थोड़ी ना है, ऑब्वियसली दुनिया में तो बहुत से लोग जो सीए नहीं है और फिर भी अच्छी लाइफ जी रहे, अच्छा पैसा कमा रहे हैं,
ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर सी इज नॉट फॉर मी, हम कोई दूसरा ही कोर्स करना चाहते हैं, तो आप फिर वैसे सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से ये चीजें उनको सोचनी चाहिए जिनको चार या चार से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं सी ए फाउंडेशन में। तो आप एक बार के लिए थॉट दे सकते हैं कि सच में क्या हमने सही कोर्स को चुना है, नहीं हमारे लिए, ठीक है ना। देखिए कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, आप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेल नहीं हो रहा दोनों, बस पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आपको लगता है कि सर ये कोर्स सही नहीं बना है, मैं कुछ और करूंगी तो मैं उसमें और बेटर कर सकती, तो बिल्कुल आप स्विच कर सकते हैं, है ना। बहुत से ऑप्शन है, जैसे लॉ है, एमबीए है, आप सीए एफआरएम, ऐसे बहुत से कोर्सेज है, एसीसीए है, आपको देख सकते हैं अलग से, जब आप जिसके लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है सर नहीं हमें सीए पसंद है, हम सच में सीए बनना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको जो है ना एफर्ट्स वैसे लगाने पड़ेंगे। वो क्या रहा है ना कि हम एक भी बार ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे, प्रॉब्लम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का नहीं। आप चार अटेम्प्ट दो, 10 अटेम्प्ट दो, 20 अटेम्प्ट दो, आप अगर पढ़ेंगे ही नहीं ढंग से एक भी बार, तो ऑब्वियसली बात क्लियर नहीं होगा। हमें ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हमारे पढ़ाई में प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्लियर नहीं हो पा रहे। ये एकदम सिंपल चीज है, मैं कोई आपको बुरा फील करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, है ना, कि हम हमारे पढ़ाई में प्रॉब्लम है, हमें अभी भी वो समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हमारे क्या वर्क कर रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर समझो मैं अभी तक जिस तरह से पढ़ रही थी, मुझे उसमें अगर चीजें याद नहीं आ रही, मैं उसमें एग्जाम में आंसर्स नहीं लिख पा रही हूँ, मतलब कि आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने आज तक कहीं पे क्लास लगाई नहीं है, हो सकता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि समझो आपने आज तक कोई भी क्लास नहीं लगाया, आप सिर्फ YouTube पे ही रिवीजन देख रहे हो, मैराथन देख रहे हो, इसलिए क्लियर नहीं हो रहे, ये एक रीजन हो सकता है, समझ में आ रहा है। या हो सकता है कि हमने क्लासेस की, पर हमने क्लासेस के समय ढंग से पढ़ाई नहीं की, और फिर अब हम जो है अगेन हम जो है सेम सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स का देखेंगे वीडियो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको अगर सच में सीए बनना है तो मेरे हिसाब से एक बार आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना जरूरी है। 100% एफर्ट देने का मतलब ये है कि स्टडी मटेरियल के सारे चैप्टर्स आपके होने चाहिए। ऑब्वियसली अभी जैसे पॉइंट्स में वो हो गया इंटीग्रेशन डेरिवेशन, ठीक है ना, आपको ठीक है 2-3 मार्क का चैप्टर, उसमें आप बहुत डिफिकल्ट है, उसको अननेसेसरी उसमें टाइम पास करना अलग बात है, ठीक है ना। और पॉइंट ये है कि आपके स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, नेक्स्ट आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, और आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू लेटेस्ट के 5 अटेम्प्ट्स के आपके होने चाहिए। अगर ये सब चीजें आपकी अच्छे से आपने पूरी कर ली है, इसको कम से कम 2 से 3 बार मिनिमम आपने रिवाइज किया है, और फिर अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि वी शुड स्विच टू अदर कोर्स। लेकिन अगर आपने अभी तक ये किया ही नहीं है, और आप सोच रहे हो सर हम तो पास ही नहीं हो रहे, तो बेटा आपने एफर्ट पूरी नहीं डाले अभी तक, है ना। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, इसमें मैं नहीं बोल सकता कि छोड़ दो, या प्रणव सर नहीं बोल सकते, चीजें सर नहीं बोल सकते, या आपका पर्सनल डिसीजन है कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। आपको लगता है कि सीए को स्कोर यू, और आप अभी अगर सही अप्रोच को फॉलो करेंगे तो पास हो जाएंगे, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करें, तो यू कैन स्विच, ठीक है ना। मैं लाइन इस पे बोलूंगा तनिष का, देखो क्या होता है, तुमको बस ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तुमने तुम्हारा बेस्ट नहीं दिया। अगर ऐसा है कि तुमने तुम्हारा बेस्ट दे दिया ना, उसके बाद भी नहीं होता ना, डेफिनेटली टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम स्विच कर सकती हो, करियर चेंज कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और कुछ पूछना? हाँ सर, मेरा बीकॉम का भी सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट शुरू ही हुआ है, तो मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि अगर मतलब मैं जॉइन देना चाहती हूँ एक्चुअली, बट वो अटेम्प्ट्स के कारण मैं थोड़ी डाइसी हो रही थी, बट आई थिंक मैं जॉइन दूंगी वापस से। और मैं ये पूछ रही थी कि साइड बाय साइड जैसे एमबीए के एंट्रेंस कोर्सेज है कैट वगैरह के लिए, तो अगर मैं उसके साइड बाय साइड उसको प्रिपेयर करूँ तो करना चाहिए क्या मैंने वो प्रिपेयर करना चाहिए फिर, क्योंकि ऑलरेडी इतना टफ है, आप देख रहे हो कि 4 महीने निकल रहे, तो दोनों कैसे आपको, वो भी इजी तो नहीं है ना, वहां पे वही हो जाएगा ना, यही चीज होती है कि वहां पे फिर उसको पकड़ लो, उसको अच्छे से पकड़ लो, ठीक है। एक बार वो डिसाइड कर लेना, अभी जैसे आपको लगता है कि जैन आपको बेस्ट देना है अपना, कुछ भी मत सोचो, ये सोचो कि निकल ही जाओगे जैन में, और फिर जैन नहीं होता तो फिर सीए के बारे में सोचना ही मत, फिर अच्छे से कैट की तैयारी करनी, ठीक है। तो सर आई नो इतना आपने मुझे समझाया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच, बट मैंने जॉइन देना है तो उसके लिए मतलब 4 बार होने के बाद भी फिफ्थ ट्राई करना इज सेंसिबल या नहीं, तो बात करी अपन सब ने कि आप अपना बेस्ट देना, अगर आपका बाकी है तो करो ट्राई,
करने वाले तो सर ने बताया ना, 10 बार भी अटेम्प्ट करने के बाद फाइनल में रैंक लाए हैं। क्या करो ना, किसी से मत पूछो। हम सब ने इतनी सारी बातें करी ना, अब अकेले में अपने आप से बात करो, खुद से पूछो, डू यू थिंक इट वर्क्स, क्योंकि नोबडी एल्स कैन गिव द आंसर। राइट, थैंक यू सो मच सर। यस भाई बोलिए। वंश का हो गया तो मैं ना आयुष को लूंगा, वंश का हो गया डबल करने से बेटर मैं एटलीस्ट एक बार। ऐसे मत करो यार, नेक्स्ट एक है ना, एंड में देखते हैं ना। यस आयुष भाई प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। यस गुड इवनिंग सर। मेरा भी माय टू वर्क में अटेम्प्ट था इंटर का, मैंने बहुत ग्रुप लिए थे तो बहुत ग्रुप में से दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद क्योंकि ग्रुप वन में बहुत वीकनेस थी मेरे को और सब्जेक्ट में कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत कम थी, और तो मैंने ग्रुप टू में ज़्यादा प्रिपेयर करा और इस बार मेरा 144 मार्क्स आए टोटल एग्रीगेट, मतलब 6 मार्क्स से दोनों ग्रुप मिला गए। नहीं नहीं ग्रुप टू ही दिया था इस बार मैंने। अच्छा, इस बार ग्रुप टू ही दिया। अच्छा, तो उस बार उसमें 6 मार्क्स से रह गया है बस। ओके। और कॉस्टिंग मेरे इस टाइम आए थे 56 आए थे, मेरे ऑडिट में आए थे 45 आए थे, एफएमएसएफ में 46 के आसपास आए थे। ओके। तो उस बार मैं ये पूछ रहा था कि जैन 25 जो आने वाला है उसमें मुझे बूथ ग्रुप देने चाहिए या सिंगल पे ही स्विच रहना चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपने एग्जाम देने के बाद रिजल्ट्स तक कि आपने पढ़ाई की थी। तो मैंने ग्रुप वन की स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। तो अभी आपका ग्रुप वन पूरा कवर्ड है, मतलब आपने ग्रुप वन की पढ़ाई अच्छे से हो गई आपकी अभी, am I right? अभी चल रही है धीरे धीरे चल रही है बचपन से। नहीं, आपको क्या लगता है अभी आने वाले कितने समय में आपका ग्रुप वन पूरा हो जाएगा, रिवाइज होकर 1 महीने के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा पूरा। और ग्रुप टू की पढ़ाई आपकी वो आपने की? नहीं सर, ग्रुप टू पहले से प्रिपेयर है, मतलब सॉलिड है, अच्छे से आता है पूरा। मेरे हिसाब से देखो, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो, आप सब लोग ने एक बेसिक फॉर्मूला माइंड में फिक्स रखो। अगर आपको लगता है मतलब बोथ ग्रुप देना है कि सिंगल देना है, इसका फॉर्मूला ये है कि हर एक सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, RTP MTP PYQ पिछले 5 अटेम्प्ट के, अगर आप ये आने वाले समय में ये 6 सब्जेक्ट्स के ये चीजें कर सकते हैं तो बुक दुर्ग दीजिए। आपको लगता है नहीं सर ये इतना मैं नहीं कर पाऊंगा पूरे 6 सब्जेक्ट ले, मुझे लगता है अभी 3 का कर, तो बाद में 3 का कर लूंगा, तो सिंगल ग्रुप दीजिए, है ना। तो मेरे हिसाब से आपके लिए एडवाइस रहेगी कि ये ना आपको अभी डिसाइड कर, ये मैं अगेन मैं ऐसा जैसे मैं भी जब सी इंटर में था ना, मैं ऐसे मेरे टीचर्स को पूछता था, और मुझे याद है कि मुझे ना एक बार एक टीचर ने बोला था कि मोनिश आप ना सिंगल ग्रुप दो, तो मुझे अंदर से ना बहुत बुरा लगा था, मुझे लगा कि यार ये मेरे को हल्के में लेना है, इसको क्या लग रहा है कि मैं दोनों नहीं दे सकता क्या। आप समझ रहे हैं ऐसा अपने को बहुत बार लगता है कि हम तो दोनों दे सकते हैं, पर सब सिंगल का क्यों बोल रहे हैं। पर उसमें ना भाई लॉजिक होता है उस चीज में, है ना। ऑब्वियसली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग बात है, पर एक हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमें CA इंटर में पास करने के लिए जो ना वैसा प्रेपरेशन भी करना पड़ेगा, तब जाके पास हो पाएंगे, है ना। तो आप अगर सच में ये सारी चीजें कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप पूरे बोथ ग्रुप के लिए जाइए, है ना। नहीं तो आप सिंगल के साथ जाइए। अगर आपको लगता है कि सर मेरे ग्रुप वन की पूरी पूरी पढ़ाई मेरी हो के रखी है ना, मैं 10-15 दिन में पूरा निपटा दूंगा और फिर ग्रुप टू से स्टार्ट कर दूंगा, अगर ऐसा इस ये मोमेंटम है अगर आपका भी पढ़ाई का, तो आप फिर बोथ ग्रुप दे दीजिए। लेकिन आपका नहीं सर मेरा बहुत गैप हो गया था रिजल्ट एग्जाम के बाद, मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा नहीं, अब रिजल्ट आया तो अब मुझे ज्यादा बर्डन फील लग रहा है, तो फिर आप सिंगल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। थैंक यू सर। आई थिंक अब फेस्टिवल का डे है तो हम लोग एंड करते हैं, बिकॉज बच्चों को एक वो कर देते हैं कि आप लोग जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर है तो आप टेलीग्राम पे हम लोग को मैसेज कर दो, और जनरल है तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, एनी ऑफ द एजुकेटर्स। ओके सर, एक मैं मुझे लगता है कुछ एक दो लोगों को ले ले और। हाँ सर ले सकते हैं, एक्चुअली मुझे ना मतलब मुझे एग्जिट करना पड़ेगा और IG सर का भी मैसेज आया था, तो अगर आप 5-10 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं तो मैं कर लेता हूँ सर कंटिन्यू। हाँ सर ठीक है सर, चलिए ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। यस यस सर, IG सर से तो बात करनी थी। IG सर दो मिनट मैं आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट। हाँ ओके ओके।
यस प्रियांशी नेक्स्ट. बेटा प्लीज मैं चाहूंगा प्लीज थोड़ा सा क्विक बस रहे, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं हेल्प करना चाहता हूँ आप सबकी. यस प्रियांशी प्लीज बोले. अच्छा आपको अनम्यूट का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा ना. हाँ ओके. हाँ अब देख, अब चेक कीजिए. हाँ गुड इवनिंग. यस 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 बोलिए. मैंने अभी May 24 में ना इंटर का ग्रुप वन का अटेम्प्ट दिया था, और मैंने अभी सितंबर में भी दिया था. तो मेरा ना अकाउंट्स में जैसे सेम ही मार्क्स आ रहे हैं दोनों बार, मतलब जैसे 32 ना मेरे इसमें मई में आए थे और 28 अभी इसमें आए हैं सितंबर में. तो ना मैंने मतलब इतनी प्रैक्टिस और भी करी, मैंने सब कुछ करा, बट आपको पता ही नहीं क्यों हो ही नहीं रहा. तो पेपर देने जाते हो ब्लैंक हो जाते हो उस मोमेंट पे. वही है बेटा, ब्लैंक होने का वही रीजन है कि हम लोग जो है घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे बराबर से. ब्लैंक अपन कब होते हैं कि हमें चीजें याद नहीं आ रही. सेम वे रिकॉल वाला प्रॉब्लम है ना. रिकॉल का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, जब आप ब्लैंक पेपर पे घर पे डेली प्रैक्टिस करोगे, है ना. हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम जो है ब्लैंक पेपर पे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं. आपको घर पे भी ब्लैंक पेपर लेके बैठना पड़ेगा कि भैया मैंने क्वेश्चन देखा, ब्लैंक पेपर मुझे याद आ रहा है क्या, है ना. तो अगर आपको ब्लैंक होने का इश्यू है तो ये करना पड़ेगा, एक पेपर लेके बैठो डेली. आपका जो भी सब्जेक्ट हो गया ना, समझो कोई चैप्टर आपका हो गया, उसके बाद उसका क्वेश्चन देखो और ब्लैंक पेपर पे सॉल्व करके देखो. अगर वो नहीं हो रहा है मतलब यही सेम चीज एग्जाम में होगी, है ना. तो हमें वो चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली बेसिस पे. धीरे धीरे वो चीज डर आपके मन से निकलेगा. एक थोड़ा सा डर भी एक मन में डर आ जाता है कि यार अकाउंट्स में ही हमेशा ऐसा हो रहा है, अगली बार फिर से आपको ऐसा डर लगेगा. तो डर कैसे निकलेगा, अभी से आप प्रैक्टिस करो, अभी से ब्लैंक पेपर पे प्रैक्टिस करना चालू करो आप. तो पहले पहले सब्जेक्ट के आप कोई चैप्टर के कॉन्सेप्ट देखो, उसके पहले क्वेश्चन देख लो, आप देखो कैसे सॉल्व होते, देख लो सर ने कैसे पढ़ाए आपके, आपने कैसे सॉल्व किया, देख लो पहले. और फिर जो है ब्लैंक पेपर लेके बैठे और अब आप खुद सॉल्व करके देखो कि मुझे खुद से क्वेश्चन जमना है कि नहीं, है ना. ये इतना ही आप करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है. ऐसा कुछ इसका कोई रिलेशन नहीं है कि मुझे अगर पिछले अटेम्प्ट में 50 आया तो इस बार तो 50 या उससे ज्यादा ही आएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा. हमारा हर एग्जाम का क्वेश्चन नंबर अलग आता है, है ना. हर हर क्वेश्चन हर एग्जाम का डिफिकल्टी अलग अलग होती है. हर एग्जाम के पहले आपने जैसे प्रिपरेशन किया था, जरूरी अगली बार में वैसी प्रिपरेशन हो, है ना. हो सकता है पिछले टैक्स का प्रिपरेशन ज्यादा अच्छा किया होगा, इस बार नहीं किया उतना अच्छा, तभी होगा ना कम बेटा, है ना. तो ऐसा नहीं है कि शुड ने कम कर दिया, ऐसा नहीं. वो हमारे ही तरफ से कहीं पे गलती हो रही है. सेम मैं अगेन जो मेरा अकाउंट्स का आपको बोला, सेम आप टैक्स के साथ करें. और फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपको कोई जितने भी आपके बच्चे हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं समझो, तो जरूरी नहीं कि अगले अटेम्प्ट में भी उतने मार्क्स आएंगे, ये कोई फिक्स नहीं है. आपको अगले अटेम्प्ट में फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो ही आपको वो मार्क्स आएंगे, ठीक है ना. तो आप ये करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस ब्लैंक पेपर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, डन. करिए और आप हमको अलग से इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, सब लोग आप अलग से ही बाद में मैसेज करें. हमने जो आपको भी चीजें बताई पहले इसको आप फॉलो करें, है ना. 2 हफ्ते 3 हफ्ते फॉलो करें, फिर बाद में वापस हमें बताइए. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच प्रियांशी, थैंक यू. यस नेक्स्ट है अदम्या. यस अदम्या बोलो. लॉबिंग. यस बोलिए. हेलो हेलो. हाँ बोलिए. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार सितंबर में. मेरा सिर्फ मतलब लॉ के गया, 29 आए 9 में, बाकी सब में ठीक थे. अकाउंट में 60 थे, मैथ्स में 71 थे, और अपने इनकम में तो आपके दाल 81 थे. अच्छा चला गया, और मतलब अनएक्सपेक्टेड टेस्ट की भी मैंने टेस्ट में प्लस ही आ गए जब भी मैंने सब में.
पेपर पैटर्न ही चेंज हो गया तो मैं सर वहाँ पे अब ट्रिक हो गया सर आईटीआई के थ्रू कि अब आगे कैसे प्रोसीड करें क्योंकि टाइमिंग टाइम नहीं था अपने पास में और जो मैंने प्रैक्टिस करी उनका पैटर्न अलग था आप बताइए। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, भले आईसीआई ने पैटर्न चेंज किया, उन्होंने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे, बट ऐसा तो नहीं था कि इससे पहले कभी 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं आए हैं या इससे पहले कभी उतने नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे। माना कि पैटर्न चेंज हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गए, बट वो जो लिमिटेड कम मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे वो इससे पहले भी आते थे। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखने को मिलते थे। अब इस बार क्या किया कि जो क्वेश्चन नंबर 6 में जिस प्रकार से पैटर्न था वो पूरे पेपर में दिखने मिला। तो इससे अब अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं मैं और मुझे अगर दिख रहा है कि 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं उतना ही कंटेंट लिखूंगा जितना 3 मार्क के लिए लिखना चाहिए। मैं 6 मार्क का कंटेंट पूरा लिख के नहीं आऊंगा ना। मुझे पता है कि अगर मैं इतने 4 पॉइंट्स लिख के मुझे वो 3 नंबर मिल सकते हैं तो मैं उतना ही लिख के आऊंगा। आई थिंक सो जब अपन प्रैक्टिस भी करते हैं तो अपन ये चीज को भी देखते हुए चलते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चा पूछता है सर डायरेक्ट क्वेश्चन में कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो कोई फिक्स थोड़ी होता है। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 लिखने पड़ेंगे। अब अपन इसके लिए आईसीआई को भी ब्लेम नहीं कर सकते, उन्होंने कोई पैटर्न ऐसा बता के नहीं रखा है कि आपने यही करना है करके। मैं मानता हूँ कि आईसीआई की गलती है कि वो आरटीपी दे रहे हैं, वो एमटीपी दे रहे हैं, तो उससे पैटर्न इनका मैच होना चाहिए, लेकिन अब नहीं हो रहा है तो ऐसे है तो यही बोलेंगे ना, मैंने कोई देखे थोड़ी रखा है कि मैं 6 मार्क के सवाल पूछूंगा या मैं 5 मार्क के सवाल पूछूंगा। तो इससे हमें एक चीज सीखने मिलती है कि अपने सारे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, सारे ऑल सिचुएशन के लिए अपन तैयार रहना चाहिए कि अपने को अगर कैसा भी पेपर आ जाए तो अपन वहां पर ट्रिक नहीं होना है, इस चीज को काम एकदम इस चीज को नॉर्मल समझ के एकदम बढ़िया से पेपर लिख के आना है बस। जी सर, बट सर आपने भी क्वेश्चन पेपर देखा होगा सर, वो जो क्वेश्चन थे वो सारे 7-7, 8-8 नंबर वाले थे। अब उसमें अपन कट शॉर्ट करके भी कितना कट शॉर्ट करके आप नहीं, अगर मैं बताऊँ आपको तो सारे तो वैसे नहीं थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पढ़ने पर वैसा लगता है। उसमें क्या था कि जैसे अगर मान लो कोई केस स्टडी बेस्ड भी थे तो वहां पे आपको डायरेक्ट पॉइंट लिखना था जिसके ऊपर वो हिट कर रहा है। अब जैसे अगर 1% कंपनी का कोई सवाल था, अब 1% कंपनी का कोई सवाल था तो उसमें वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो सीधी बात थी वो कंडीशंस लिखना था कि कौन पर्सन एलिजिबल होता है ओपीसी बनाने के लिए, बस बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ना आगे का लिखना है ना पीछे का लिखना है। तो इंस्टीट्यूट चाहती थी कि आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे, बस उतना था वहां पे। लॉ ही डालना पड़ता और कंक्लूजन तो ऑटोमेटिकली आ जाता ना, कंक्लूजन तो फिर वो केस में फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर 3 मार्क के कोई सवाल है तो फिर फैक्ट्स ऑफ द केस अगर लिखेंगे तो टाइम पास हो जाएगा अपने लिए। हाँ अगर वो 6 मार्क का सवाल है, 7 मार्क का सवाल है तो मैं डेफिनेटली फिर एफर्ट्स लूंगा ज्यादा लिखने का। कुछ नहीं, बस आपको ये देखना है कि कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, उस हिसाब से अपने आंसर को चेंज करने का है ना। अगर ज्यादा नंबर के लिए तो ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, कम नंबर के लिए तो कम एक्सप्लेन करना है। बेस्ट है आप रिविजन करो, सबसे पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो। अब रिविजन में एक थोड़ा सा चेंज करना कि 4 पन्ने पढ़ने के बाद किताब बंद कर दो और उसको फ्रेजेस में टुकड़ों में स्क्रिबल करने की कोशिश करो अपने पेपर पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका रिविजन एकदम अच्छे से होगा और आपको वर्ड्स की आदत होना चालू हो जाएंगी। दूसरा, बीकॉम वाली जो आदत है उसको छोड़ दो और कट टू कट आंसर लिखने की आदत डालो कि जितना पूछा गया उतना आंसर लिखने का, जितना पूछा है उतना आंसर लिखने का, बस ये आदत लगा दो है ना। बस ये 2 चीजों के ऊपर मेहनत करो, आने वाले 2 महीने में आप पक्का क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे 6 मार्क्स का सर क्वेश्चन आया सर, उसमें सर मतलब सर इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स ही याद आते हैं सर, बाकी तो फ्रेम ही करना होता है सर, वो मतलब ज्यादा रिकॉल नहीं हो पाता होता। हाँ वो कभी कभार, अब देखो प्रैक्टिस, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस रिविजन है, रिकॉल अगर प्रॉब्लम है तो रिविजन इज द प्रॉब्लम। रिकॉल की दिक्कत है तो रिविजन ज्यादा से ज्यादा करना है, और अगर लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो खुद से प्रैक्टिस करना है। गलती होने दो एक बार खुद से, एक बार गलती होंगी, 2 बार गलती होंगी, बट तीसरे बार पक्के से आपको बहुत अच्छा आप आंसर लिखोगे, है ना। सर ईगो तो सर जैसे इस बार सर थोड़ा सिलेबस ज्यादा है तो सर रिवीजन में सर थोड़ा लेजीनेस हो जा रहा है सर, इतना ज्यादा सिलेबस है तो फिर ईगो सर ऐसा हो रहा है कि पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, बाकी मार्क्स तो आ जाने।
पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप या तो आप शायद चार्ट बुक अगर आपके पास होगी तो उससे पढ़ो भाई सिर्फ, है ना, है ना, चार्ट बुक से पढ़ो। तो थोड़ा सा क्या एक वो मेंटल भी होता है कि चार बुक क्या छोटी दिखती है तो ऐसा मेंटल लगता है कि यार जल्दी होगा ऐसा, है ना, मतलब कुछ छूट ऐसा नहीं, नहीं कुछ नहीं छूटेगा। मैंने अभी जो नया चार बुक है उसको तो मैंने पूरा अपडेट किया है, उसको और मैंने पॉइंट्स ऐड कर दिए लेटेस्ट एमसीक्यूज के हिसाब से। तो आप जो ई बुक ले सकते हैं अलग से, या तो अगर आपका ऑलरेडी है सर, वो सितंबर और जैन वाला सर, उसमें सर अपडेट हो जाएगी उसमें ई बुक आप कर सकते हो, मेरा बोलना रहेगा चार बुक से तो ज्यादा अपडेट बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट है आईफोन, नाम आईफोन बेटा आपका आ रहा है, बताइए। रिच हमारे क्लास में अच्छा जवाब पता है क्या करना है, लॉ पढ़ना भी आपको। लॉ में क्यों दिक्कत आ रही है आपको, मतलब क्या फेस हो रहा है आपको, क्या दिक्कत क्या हुई इस बार लॉ में? आपने टेस्ट सीरीज दिए थे क्या, पेपर से पहले टेस्ट सीरीज दिए थे आपने? क्वेश्चन सॉल्व नहीं, आपने बाकायदा 3 घंटे बैठ के पेपर लिखा था क्या? इस बार आप ICI के MTP देना, जो MTPs होती है ना ICI की, तो जाके ICI में 2 MTPs होती है, दोनों MTPs देना और स्पेसिफिकली लॉ की देना, तो आपको बहुत गलती आपकी समझ में आ जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई रिवीजन वगैरह, मतलब आप जो जैसे पढ़ाई चल रही है चलने देना, बस MTP देके आना इस बार दोनों। एक महीना ही नहीं पढ़ा है आपने, उसमें क्या हो रहा है? तो एक इतना इतना कमजोर दिमाग नहीं है अपना कि अपन 1 महीने में भूल जाएंगे सब चीजें, ऐसा नहीं होता, सब याद है उसको, बस उसको अब रिकॉल करवाना है चीजें कि आपने क्या क्या पढ़ा था करके, बाकी कुछ नहीं। सबके पास सफिशिएंट टाइम है अभी भी, आप अगर बहुत टाइम है कल से भी, यार मैं तो बोल रहा हूँ 4 तारीख से करो, चलो हाँ बढ़िया फटाके बोलो 2-4 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली मजे, दिवाली में मजे करो, भाई दूजे मजे करो, पर 4 तारीख से पढ़ने बैठ जाओ, 4 तारीख से भी पढ़ने बैठे ना आप तो भी CA फाउंडेशन आराम से पास, बिल्कुल होता है। वो सही है ना, जब आप पढ़ के गए थे, जब आप नहीं पढ़े थे ना तो आपको पता था मैं जो भी लिख रही हूँ अपना बेस दे रही हूँ करके बिंदास, लेकिन जब इस बार पेपर आया तो आप पैनिक हो गए होंगे, मतलब शुरुआत में एक जो पैनिक होता है ना इंसान, वो पैनिक में आपका समय चले गया, और फिर समय चले गया तो पक्की बात है पेपर छूटा होगा कुछ ना कुछ आपका, फिर उसमें आंसर गड़बड़ हो जाते हैं, उसमें आंसर भी गड़बड़ हो जाते हैं, फिर वही दिक्कत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज दो, मेरे को समझ में आ गया, आप टेस्ट सीरीज दो, आप पैनिक नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे तो आपका पेपर बढ़ गया जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है, आपने रिवीजन भी किया है, पढ़ाई भी किया है, सब कुछ किया है आपने, लेकिन आपको दिक्कत है आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी है, तो एक बार टेस्ट सीरीज आप दीजिए, आपको बहुत अच्छे से सब चीजें हो जाएंगी अगली बार।
ना यस यस थैंक यू सो मच नेक्स्ट अमृता यस अमृता दास प्लीज थोड़ा सा क्विक रहना बेटा है ना यस यस अनम्यूट का सर ऑप्शन देना हाँ हाँ नहीं नहीं ये चीज हमने अमृता कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि आपने पेपर कितने का लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने पेपर कैसा लिखा उससे फर्क पड़ता है, दूसरा इस बार का पेपर मैंने सेक्शन नंबर किसी में लिखा नहीं था। मैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सेक्शन नंबर नहीं भी लिखाऊंगा तो बहुत हो गया आधा मार्क काटेंगे आपका, है ना, पूरे 6 क्वेश्चन में से मान लो 12 10 नंबर काटेंगे आपके, चलो 90, पर 90 में भी तो आने चाहिए ना, ऐसा नहीं है, है ना, तो सेक्शन लिखना कंपलसरी भी नहीं होता है, फाउंडेशन लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है सेक्शन नहीं लिखा, प्रॉब्लम आपने सेक्शन गलत नहीं, आपने प्रॉब्लम है आपने प्रोविजन गलत लिख के आए हैं, तब जाके मार्क्स कटे, अदरवाइज मार्क्स नहीं कटते, तो इसके लिए आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई हमारी रेगुलर क्लासेस से आपने पढ़ाई की है? यस सर, मैं दीपिका मैम की स्टूडेंट। क्या? मैं दीपिका मैम की स्टूडेंट। अच्छा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, तो आप क्या करो, एक तो आपकी थोड़ी सी मेरे हिसाब से क्लैरिटी मिसिंग है, तो आपके पास अभी लेक्चर्स की वैलिडिटी होंगी तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होंगी तो आप मैम को मैसेज करना, मैम एक्सटेंड करवा देंगी वैलिडिटी को, आप उसको पढ़ लेना एक बार, है ना, जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उसको अच्छे से कवर कर लो और फिर रिविजन वीडियोज की मदद से उसको और पक्का कर लेना और फिर लिख के प्रैक्टिस करना, तो आपका चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है फिर, ना? है। बहुत इंपॉर्टेंट है सोगा, इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 नंबर के बीच में सोगा आता है, इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा पर डाला तो लगभग लगभग 45 मार्क्स का कवरेज हो जाता है। क्या 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 फाउंडेशन में छोड़ दिया था आपने सोगा? मुझे आवाज नहीं आ रही है बेटा, समझ नहीं आ रहा है मुझे, मुनी सर आपको समझ आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? फाउंडेशन में क्या, एक बार आवाज बोलिए सर, सोगा के कंडीशंस एंड वारंटीज यूनिट को मैंने छोड़ दिया। हाँ यूनिट 2 ही ना, वो तो ठीक है ना, अब मुझे समझ आ गया, आपने माइक शायद किया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको YouTube से भी कवर कर सकते हो, मेरा रिविजन लेक्चर अवेलेबल है, आप आराम से देख लेना, हो जाएगा सब कुछ कम्प्लीट उसके अंदर। चलिए थैंक यू सो मच अमृता, नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बात है संजय की, संजय शॉ भाई, यस यस, बस ऋतु पारुल एंड प्रियांशी, बस थोड़ा सा रुक जाइए, अपनी तरफ भी किया है, बस अब आखिरी तीन, ये लास्ट तीन है, पारुल और प्रियांशी के आगे प्लीज कोई हैंड रेज मत करना, क्योंकि उसके बाद हम ले नहीं पाएंगे, अभी हम लोग बस इतना लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक और ऐसा सेशन रखवा लेंगे हम लोग, है ना, यस यस संजय बोलिए, राधे राधे सर, राधे राधे बेटा बोलो। सर मैं ये बोला था, मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट ये जून का भी था और इस बार सितंबर का भी अटेम्प्ट है, तो उस जून वाले अटेम्प्ट में ये हुआ था कि मैं सारा सब्जेक्ट में पास हो गया था पर एग्रीगेट में रह गया था, और इस बार भी यही हुआ, सारा सब्जेक्ट में पास हो गया हूँ पर एग्रीगेट में रह गया हूँ, तो सर करना क्या चाहिए, जेएन का अटेम्प्ट देना चाहिए या फिर चाहिए क्या करना चाहिए सर? कितना नंबर आया आपका? सर मेरे साथ भी ये हुआ, 179 था सर, मेरा भी एग्रीगेट में ही रह रहा है, मैंने सब कुछ किया, आरटीपीपी किया, इवन आईसीआई के सेंटर पे जाके भी मैंने मॉक टेस्ट दिया था, कितने आ रहे थे तो जो आरटीआई किया लॉ में, मेरा लॉ नहीं बाकी ओवरऑल कितना आ रहा है आपको? मेरा 180 आ रहा है, 180 और इनका 170। सर मुझे ऐसा लगता है सर कि शायद सिर्फ यहाँ पे जो आप सभी लोगों को, तीनों को, पारुल का भी आई थिंक सो सेम प्रॉब्लम है, तो आप तीनों को ज्यादा भी सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आई थिंक सो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तभी आपके इतने नंबर बन पा रहे हैं, आपका ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के ऊपर होना चाहिए, जैसे रिविजन देख लिए, सेल्फ स्टडी कर लिए, रिविजन देखना है तो देखो, मत देखो हम तो बोलेंगे मत देखो, पर क्या होता है आपको इतनी क्लासेस की आदत या कभी कभार खुद से उतनी एफिशिएंसी नहीं आती,
तो फिर रिविजन देख के पढ़ डालने का है ना। पर ज्यादा समय आपने सेल्फ स्टडी, इस बार आप क्या करो देखो, मैक्सिमम टाइम अपना सेल्फ स्टडी के लिए दो, और इंस्टीट्यूट की दो एमटीपीज होती है, दोनों एमटीपी जाके देना, घर पे बैठ के सॉल्व नहीं करने का, घर पे बैठ के कुछ नहीं होता, वो तीन घंटा जाओ वहां पे बैठो आराम से, पेपर दो एग्जामिनेशन कंडीशन में, और उसके बाद देखो जनवरी में आप पक्का पास होंगे। थैंक यू सर। सर लेकिन बट हर टाइम एग्रीगेट में ही रह जाता है, मतलब ऐसे 193 195 आता है, मेन एग्जाम में जाके 197 आ जाता है। हां मुनीश सर बीच में बोला था ना, वो एक सब्जेक्ट को एंकर बनाना पड़ेगा। यस एग्रीगेट एक आपका कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो चाहिए, आपको मिनिमम 72 उसमें आने चाहिए। यस है ना, अगर अपने को सब में 45 के आसपास आएंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा है ना। अगर आपको समझो तीन सब्जेक्ट में 45 आ गए देखो, मैं ऐसा बोलूंगा कि दो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, क्योंकि आईसीए का भरोसा नहीं है, हो सकता है इकोनॉमिक्स में गुगली खेल ले, तो आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या मैथ्स को बनाया तो मैथ्स फिर है ना, तो दो सब्जेक्ट एकदम भयंकर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, तो एक भी गया तो दूसरा बचाने के लिए रहना चाहिए अपने पास है ना। मुझे लगता है उसमें इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट, ऐसे नहीं मैं पढ़ा तो इसलिए, और उसमें ज्यादा स्कोर करना कंपैरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। और लॉ को मत रखना उसके दो के गिनती में, लॉ के अलावा दूसरा। और अगर आपको पहले समझो मैथ्स के स्टूडेंट थे समझो तो मैथ्स, तो इकोनॉमिक्स और मैथ्स, या तो फिर अगर नॉन मैथ्स स्टूडेंट थे पहले तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ये दो सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यस पारुल सर, इस बार का अटेम्प्ट में मैंने इकोनॉमिक्स आप ही से सीखा था एंड आई स्कोर 65, और लॉ में भी लॉ मैंने आईजी सर से पढ़ाई की थी और मेरे को आए 57, और मेरा एग्रीगेट 197 था, 3 मार्क्स से छूट गया और सब मैं पास हो गई मैं। और सर आप मेरे को बता सकती हो कि मैं इकोनॉमिक्स में और कैसे पढ़ सकती हूँ, बिकॉज मैंने आपके यूट्यूब लेक्चर से ही पूरा पढ़ाई की और सारे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए हैं, तो आप मेरे को बता सकते हो। हाँ अभी जो है ना, अभी मैं आपको एक सच बात बता दूं, क्या हुआ ना, जो 2020 पर अटेम्प्ट था फर्स्ट अटेम्प्ट था न्यू सिलेबस का, उसमें ना उस टाइम भी 195 स्कोर किया था। हाँ, तो उस समय ना बच्चों को ज्यादा दिक्कत थी इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हमारे पास ऐसे एमसीक्यू फूट सकता है, लेकिन अब जो है ना अपने पास एक बहुत अच्छा बैंक बन चुका है इंस्टीट्यूट का। वैसे तो मेरी बुक कंपाइलर है, आप वो ले सकते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट का जो जून का क्वेश्चन पेपर, सितंबर का क्वेश्चन पेपर, जून में उन्होंने दो एमटीपी इशू की थी और सितंबर में 3 एमटीपी इशू की थी, ठीक है, तो 5 एमटीपी, 2 पीवाईक्यू, बस इस अटेम्प्ट की समझो अप्रोक्स 3 एमटीपी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के और माइक्रो के दोनों के जो है स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज, और ये जो है ये जो चीज है, मतलब 8 मॉक टेस्ट पेपर्स और 2 पीवाईक्यू, इतना आपने कर लिया ना, मतलब आपको जो अभी 65 आ रहे हैं वो तो आ ही जाएंगे आपको, इतना तो आप बेयर मिनिमम स्कोर कर ही लेंगे, ठीक है ना। अभी जो है मैंने इस बार जो हमारे बुक्स में और मैंने अपडेट्स किए, जैसे सुपर चार्ट में और एमसीक्यू कंपाइलर में मैंने और अपडेट्स किए लेटेस्ट एमसीक्यूज के हिसाब से, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है तो आप वो रेफर कर सकते हैं, ले सकते हैं अलग से, आपको लगता है नहीं सर मैं मेरे रिसोर्स से ही कर सकती हूँ उससे मेरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूट्यूब पे भी बहुत से सेशन आगे लेके आऊंगा एमसीक्यूज के। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स में आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप जो भी आप तरीके से पढ़ रहे हैं मुझे लगता है आप सही तरीका ही अपना रहे हैं, बस उसको ही और मतलब समझो अगर आपने पिछली बार 2 बार रिविजन किया, 3 बार किया, तो इस बार 4 या 5 बार रिविजन ट्राई करो, तो थोड़ा सा स्पीड अप बनाने की आप कोशिश करें, क्योंकि अब आपने शायद 1-2 बार एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है ना, तो मुझे लगता है कि अब आप ज्यादा फास्ट कम रिविजन कर सकते हैं, तो उस पर फोकस करें कि हमें एक ही चैप्टर को बस लेके नहीं बैठना है 10 दिन तक है ना, तो हमें मल्टीपल बार करना है सेम चीजें, तो अब मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सर। आईजी से जॉब में मेरा डाउट है, लॉ में इस बार बहुत छोटे 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 क्वेश्चन आए थे 3-3 मार्क के लिए, बट मैंने ये गलती की थी, मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया, उसमें मेरा पूरा टाइम चला गया और मैंने बस 85-90 का पेपर अटेम्प्ट किया था। ओके, और मेरे को मिले 55 समथिंग, ठीक है। सब कुछ फेयर है एक्चुअली, इस बार आईसीए ने गेम खेल लिया, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ अच्छा है, और 55 बहुत अच्छा नंबर है एक्चुअली,
है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, इस बार के पेपर में जब पेपर पैटर्न में गूगली किया है उसमें 55-70s ऐसे स्कोर कर रहे हैं बच्चे, तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, तो आपने आपकी जो प्लानिंग थी, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बस अब कभी कभार क्या होता है, मैं वैसे अब मैं अगर कहूँ ना तो कभी कभार कुछ चीज़ें ना लक के ऊपर भी डिपेंड करती है, हमेशा हार्डवर्क करके है ना चीज़ें नहीं बनती है, हल्का सा लक फैक्टर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए और सीए एग्जाम में ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे आपने बोला आपको 195 है, 197 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की करके, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है ना। तो आप समझो वो थोड़ा सा होता है, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट, उसको अपन निग्लेक्ट करते हैं। तो आप जो जैसे पढ़ रहे हो आप वैसे ही पढ़िए, आपको कोई क्लासेस वासेस करने की जरूरत नहीं है, आप बस सेल्फ स्टडी ज्यादा कीजिए, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और वही तरीका रखना कि अगर छोटे नंबर के लिए अगर सवाल पूछे 3 नंबर 2 नंबर तो कम लिखना है अपने को, और अगर ज्यादा नंबर के लिए पूछे तो वो जैसा अपन प्रैक्टिस करते हैं वैसा लिखना है अपने को, बस वैसी प्रैक्टिस रखो। बाकी मेरे हिसाब से रिविजन लेक्चर्स तो भरपूर है यूट्यूब के ऊपर अपने लिए, तो हो जाएगा सब कुछ चीजें बढ़िया से हो जाएगा। आप सजेस्ट करते हो कि मैं रिविजन लेक्चर्स आपका एक बार देखूं ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको जरूरत है तो आप देखिए। अगर आपको मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको खुद से पूरा आता है, तो आप खुद से रिवाइज कर लो। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिक्कत जा रहा है उसके लेक्चर्स देखो, और फिर मतलब बस ऐसा है ना। सर मैंने लास्ट टाइम बेलमैन एंड प्लेज के बाद एक और एक आता है ना वो वाला यूनिट छोड़ा था मैंने, एजेंसी का। इस बार कर लो पहले, अभी सबसे पहले शुरुआत ही उससे करो, वो पहले निपटा लो और फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को जैसे नहीं की ना आप लोगों ने पहले, अभी जो टाइम है अभी पहले उससे चालू करो, 10-15 दिन इसी के ऊपर टाइम दो कि जो आपने जो भी सब्जेक्ट का छोड़े होंगे आपने वो सब कवर कर डालो अभी, और फिर उसके बाद पूरा रिस्ट, मतलब फिर भी 2 महीना मिलता है रिवीजन करने के लिए, तो आप आराम से 3 रिवीजन प्लान टाइम है, हम लोग बिल्कुल आराम से ये, और इस बार हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, बस आप मेहनत सही ढंग से करते रहो, टेंशन नहीं लेना है बाकी, है ना। सर मेरा एग्रीगेट में 3 बार हो चुका है, अभी मेरा 4th अटेम्प्ट होगा, तो सही रहेगा कि आप वापस देना बिकॉज़ ऑफ एग्रीगेट ओनली। नहीं मुझे ना आपके थोड़े अप्रोच में इशू लग रहा है, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप में एबिलिटी है और आप बिल्कुल पास हो सकते हैं, पर कहीं ना आप चूक जा रहे हो, क्या रहे ना रिजल्ट के बाद आपके अंदर मोटिवेशन होगा, शायद कम होते जा रहा है एग्जाम्स के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। आप समझ में आ रहे ना कि आप मॉक टेस्ट भी जाके दे रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि आप एफर्ट्स नहीं लेना चाह रहे, पर सही डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं हो रहे, बस आप समझ रहे हैं। मैंने इवन सजेस्टेड आंसर्स से भी कंपेयर किया, लाइक व्हाट इंस्टीट्यूट वांट, तो मैंने वैसे भी कोशिश की मॉक टेस्ट पेपर में जाके लिखने की, तो उधर मार्क्स आ रहे पर समहाउ एग्रीगेट में वो फिट नहीं हो रहा है। लाइक एग्रीगेट बार लॉ का थोड़ा सा जैसे सर ने बताया थोड़ा सा पेपर भी अलग आया था, हर बार लॉ के कारण लॉ में 55 मिले लॉ में, बट एग्रीगेट में मैथ्स में सबसे कम 40 मैथ्स में ही है। पहले एकदम इजी वाले क्वेश्चन कर लो, फिर हल्के से प्रोसेस में डिफिकल्ट वाले करो, और तीसरे में फिर उसमें टाइम दो जिसमें बहुत समय लग रहा है, तो वो वाला अप्रोच ही अब आप आजमाओ, मेरे हिसाब से वो बेस्ट अप्रोच है। आप कर सकते हैं, रुको है ना, आप बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, थोड़ा सा बस मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा रिवीजन करना है इस बार। सर इकोनॉमिक्स के लिए आपके वीडियो लेक्चर्स एनफ है क्या अभी जान के लिए, बिकॉज़ मैंने आपके वीडियो लेक्चर से ही पढ़ाई की थी और 65 है, देख सकते हैं अगर आपको सब कॉन्सेप्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है। हां हां मनी मार्केट का चैप्टर और ये इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर प्रॉब्लम होती है, इन सारे चैप्टर से कैसे हैंडल करें? तो एकदम सिंपल चैप्टर है, मनी मार्केट का छोटा चैप्टर है, इसमें आप प्रॉब्लम से वो पहले यूनिट में जहां पे थ्योरीज आती है,
जितना मैंने सुपर चार महीने दिया ना बस उतना करो। उसमें मैंने अभी को जो नई वाली जो बुक है ना उसमें मैंने बहुत अपडेट्स किए हैं, चैप्टर 10 को मैं और बेटर मैंने कर दिया है। जितना मैंने उसमें डलवाया ना बस उतना काम करें अभी और उसको रिवाइज करें। मैंने चैप्टर 10 की समरी भी बनाई है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, चैप्टर 10 समरी करके सर्च करना 22 में, ठीक है? तो कोई वो नहीं है, हम प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको पढ़ ही नहीं रहे। हमारे साथ क्या होता है ना, जो चीज हमें पसंद नहीं आती ना हम उसको एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं और फिर बोलते सर ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा। अरे तो तुमने किया कितनी बार, आप समझ रहे हैं? जैसे आपको अगर समझो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे डिमांड का चैप्टर पसंद है, आप डिमांड के चैप्टर को 5-6 बार करते हैं पर मनी मार्केट एक ही बार करोगे तो नहीं पसंद आएगा ना एक बार में, उसको भी आपको 3-4 बार करना पड़ेगा फिर वो पसंद आना चालू होगा, है ना? और जितना चार्ट बुक में दिया उतना करें, बहुत सफिशिएंट है। यस प्रियांशी आपने बहुत वेट किया, थैंक यू सो मच, प्लीज बताइए। सर मेरा हाइजीन से डाउट था, जैसे अभी मेरा 195 आया एग्रीगेट में और लॉन्ग में 38 आया, तो मैंने मतलब अटेम्प्ट किया था 70 मार्क्स का, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड था कि मतलब 50 तक तो आ ही जाएगा क्योंकि 30 मैंने छोड़ दिया था, 70 तक मैंने जो लिखा था वो प्रॉपर अच्छे से बीएससी अप्रोच से किया था। ओके तो मतलब 70-60 तक तो आएगा लेकिन 38 आ गया तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड। प्रियांशी एक आप एक बस एक काम करो, आप है ना जो कॉपी है ना वो बुला लो एक बार, है ना? और वो कॉपी बुलाने के बाद मेरे साथ शेयर करना उस कॉपी को, तो मैं आपको फिर ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि आपने 70 मार्क का एकदम प्रॉपर लिख के आया, तो पक्की मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो ऐसी एरर हुई होंगी जिसके कारण 30 नंबर कम हुए। देखो 70 मार्क का प्रॉपर लिख के और 60 तक आ जाते तो अपन कुछ इशू नहीं होता, पर अगर 70 का 38 आ रहा है और कहीं ना कहीं वो दो नंबर ही अपने लिए बहुत ज्यादा थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, वो अपने लिए वो दो नंबर आ जाते तो शायद इधर भी अपना क्लियर हो जाता है ना। तो आप बुलाइए कॉपी, मेरे साथ शेयर कीजिएगा उसको टेलीग्राम के ऊपर, है ना? तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने चाहिए या क्या गलती हुई है। और जब आप कॉपी बुलाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक बार रीटोटलिंग करके भी आते हैं, रीटोटलिंग में वो ये भी चेक करते हैं कि अगर कोई आंसर गलती से रह गया होगा चेक करने का, तो उसको चेक करके फिर नंबर दे के वो आती है कॉपीज, है ना? तो उसके वो चीज अपने लिए फायदेमंद रहेंगे। कौन सा कौन सा प्रॉमिसरी नोट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हाँ उसमें आपको क्या कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है आपको? तो ठीक है ना, कोई दिक्कत, यूट्यूब पे उसके रेगुलर लेक्चर्स पूरे अवेलेबल है, 5 लेक्चर्स है उसके रेगुलर, तो वो यूट्यूब के ऊपर पूरे अवेलेबल है, ठीक है? तो इनकेस आप सर्च भी करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेक्चर 1 बाय इंद्रेश गांधी तो आपको ऊपर दिख जाएगा यूट्यूब पे, तो लग के 5 लेक्चर्स है और डिटेल लेक्चर्स है वो, तो आप यूट्यूब से ही उसको कवर कर लो तो हो जाएगा आपका आराम से। डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल, रिवीजन भी नहीं होगा। मैं था सर एमवी सर से कि मैंने मतलब कंफ्यूजंस वाले कुछ क्वेश्चंस लगे जो आउट ऑफ कोर्स लगे, जैसे कंफ्यूजन से आ गया था, मैं बैक साइड के क्वेश्चंस और मैंने एमटीटी आरटीपी करके गई थी, इको के सारे आपसे ही किए थे, तो अभी आपके मैराथन से सारे और मेरा भी 36 आए हैं, तो उसमें था कि मतलब पीटी का तो था मेरा एक्सपेक्टेशंस की इको में, क्योंकि मैंने बेस इको बना रखा था, लेकिन इको मेरा स्ट्रांग था। मैं काम करता हूँ, मैंने ना सितंबर 24 के एग्जाम का जो है मैंने वीडियो लिया हुआ, एक मतलब मैंने एक बार डिस्कशन का एक वीडियो बनाया है, ठीक है ना? मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसको देखें, जिसने जिसको भी इकोनॉमिक्स में इशू है ना, आपके पास इकोनॉमिक्स का एग्जाम पेपर होगा तो सही, नहीं होगा तो उसका पीडीएफ भी है, उसमें मैंने लिंक डाला उसमें, ठीक है ना? तो आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम ये होता है हमेशा कि हमें ऐसा लगता है कि पेपर बहुत अच्छा गया पर फिर बाद में पता चलता है कि गलतियां कहां पे हुई है, जब रिजल्ट आता है तब, है ना, कि यार सर ये तो बहुत ही कम आ गए, हमको तो लगा था 80 आ जाएंगे, तो वो कहाँ पे माइनर मिस्टेक हो रही है ना वो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपका इसमें हुआ, आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा जो वीडियो है ना वो सितंबर 24 का आपको मिल जाएगा, अल्टीमेट सी पे ही है ना, आप ऐसा डालना इकोनॉमिक्स सितंबर 24 एग्जाम डिस्कशन, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें जो है मैंने हर एक क्वेश्चन का आपको बताया क्या आंसर होना चाहिए, तो उससे आपको समझेगा कि मैं सोच रही थी कि 80 आ सकते हैं तो मेरे कहाँ पे वो 20 मार्क कहाँ पे चले गए, आप समझ रहे हैं? तो आपको समझेगा कि मैं जो सोच रही थी यार ये तो सही था पर एक्चुअल में गलत निकला, तो वो चैप्टर्स पे या वो कॉन्सेप्ट्स पे आपको फिर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस जो थे जो जैसे कंक्लूजंस में से और उसमें से आए थे, मतलब यार वो तो कैसा था कि वो एक्चुअल में एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब कि पूछेगा वैसा अब, पर फ्रैंकली
यस थोड़े से कुछ अलग थे एमसीक्यू, पर 10 एमसीक्यू के ऊपर नहीं थे वैसे। ज्यादा से ज्यादा 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एकदम बोलते थे, पर बाकी 90 तो सॉल्वेबल ही थे। ऐसा नहीं था कि बाकी 90 में आता ही नहीं है, है ना। तो हमें एग्जाम में भी फिर थोड़ा सा ऐसा देखना पड़ेगा कि हो सकता है यार हम कितनी भी पढ़ाई करके जाए, दो तीन एमसीक्यू तो ऐसा होंगे जो हमको बलती जगह से पूछ ले। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पे अब ध्यान दो ना, ऐसे सारे अटेम्प्ट कर दिए थे, मतलब 100 कर दिए थे अटेम्प्ट, कोई बात नहीं। अभी आप बेटर करेंगे, मैं जो आपको बोला एग्जाम का वो मेरा सेशन देखे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब सेल्फ स्टडी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने जो भी कर सकती थी वो सब कुछ कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, कुछ ना कुछ तो है जो रह गया है, ठीक है ना। या तो समझो वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। या तो हो सकता है कि हमें रिकॉल नहीं कर पा रहे हम, अगेन क्वेश्चन देखते पर हमें याद नहीं आ रहा, जल्दी याद नहीं आ रहा है कि आंसर क्या लिखना है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। या प्रॉब्लम हो सकता है कि हम सफिशियंट रिविजन नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना। या हो सकता है कि हम एग्जाम के 1.5 दिन पहले नहीं पढ़ पा रहे बराबर से, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि हम वहां पे 1.5 दिन में जो है ना रिवाइज नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है बेटा, इसलिए ही ऐसा रिजल्ट आ रहा है। और ऐसे नहीं कि आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। मुझे बहुत पोटेंशियल लग रहा है आप में, आप बहुत अच्छे मार्क्स आप पास होंगे, लेकिन मैंने आपको बोला रिवीजन एक सिंपल चीज है कि आप ऐसा समझो कि अगर मैंने पिछले बार 3 बार रिवीजन किया ना, इस बार 5 बार करूंगी, बस इतना माइंड में फिक्स कर लो, है ना। और आपको क्लासेस लगा के ही करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं खुद से बोल रहा हूँ, मेरा ही नुकसान इसमें कोई जबरदस्ती नहीं बेटा। आपको लगता है कि सर मैंने पहले जो क्लास किया था मेरा उससे हो गया है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना है, तो आप रिवीजन या मैराथन देख सकते हैं। आपको लगता है नहीं सर मुझे ना मैक्रो में बहुत ही प्रॉब्लम है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, एक बार मुझे क्लास देख के ही होगा, तो फिर आप फास्ट ट्रैक बैच जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके मैराथन्स भी देख के किए थे, इवन आपका जो शास्त्र एमसीक्यू शास्त्र है वो भी मैंने परचेस करके उसमें से किए थे, जैसे हुए वैसे सॉल्व किए थे उसको। अभी जो है ना हमने शास्त्र को भी काफी अपडेट किया, कंपाइलर को भी काफी अपडेट किया है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, उसका ई बुक ले लो लगे तो आपका थोड़ा कॉस्ट वाइज भी आपको वो इवन टैक्स मन से भी मैंने जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें वो भी किए थे। हाँ अब मैं दूसरे का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बाकी मैं मेरे बुक्स में जो शेड्यूल के हिसाब से वही सब उसमें डलवाता हूँ, तो आप लोगों को लगता है तो आप वो लेटेस्ट वाली बुक्स ले सकते हैं, मुझे लगता है उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगा और आप कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गाइस, फाइनली वी आर एंडिंग दिस सेशन एंड हम जो है हम यहाँ पे सबको जो है हेल्प करना चाहते थे, राइट। एंड सारे हमने स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो है डाउट्स लिए, आई होप कि आपको इस सेशन हेल्पफुल लगा होगा। एंड आपको फिर भी अगर कुछ रहते हैं इश्यूज, प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बांध के पूछ सकते हैं, आप हमको अलग से मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम पे हो, है ना। मैं तो ट्राई करता हूँ, इंद्रे सर भी सर ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिप्लाई दे सके, राइट। और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे ऐसे ही। और आप टेंशन मत लीजिए, जैसे आपने देखा होगा हमने सितंबर वाले एग्जाम के लिए बहुत सारे सेशंस लिए थे यूट्यूब पे, है ना, चाहे रिवीजन हो चाहे एमसीक्यू हो, है ना, प्री एग्जाम मैराथन हो, तो आप लोगों के लिए भी ये सब चीजें होगी, तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। जनवरी एग्जाम में फिर से हम इसमें काफी सारी चीजें आप करेंगे और इसमें और कुछ नया इस बार लेके आएंगे जिससे आपको और हेल्प मिले, ठीक है ना। बिल्कुल, सो अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एंड अपने पे विश्वास रखें, ठीक है ना। आप बस एक एग्जाम में ही फेल हुए, ठीक है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी पूरी अब क्या बताइए बुरी हो गई या अब हमारा साथ क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, ठीक है ना। सिर्फ एक एग्जाम में आप क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो इसमें कोई आपको ऐसा लॉन्ग टर्म में आपके साथ बहुत बुरा होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप सब लोग जो है आगे लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, प्लीज ऐसा मत सोचे कि एक एग्जाम में हम क्लियर नहीं हो पाए तो हमारी जिंदगी खराब हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी भी आप जो है जितना रिमेनिंग टाइम है आप बहुत अच्छे से पढ़ के एग्जाम पास कर सकते हैं, राइट। सो अगेन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ऐसे हमारे आगे के वीडियोस में। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी दिवाली एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बाय बाय सर।